शायद यही वजह है कि इनकी लेखनी में इंसानों इंसानी जज्बात और एहसास का तर्जुमा इतना आसान और साफ दिखता है। लेखक लेखक वर्ग इसे बहुत सराहते हैं। हिंदी की ख्याति प्राप्त किताबें हैं अक्टूबर जंक्शन, उनके लेखक दिव्य प्रकाश दुबे जी, जिस ताजगी और जिस ताज़ा मिजाजी से जिस किस्म की लेखनी करते हैं उन्हें हिंदी लेखक में एक नया मुकाम हासिल होता है। हम लेखक उन्हें एक नए आयाम पे रखते हैं। उपन्यासकार, गीतकार और चंद लघु फिल्में हैं जो इनके नाम पे दर्ज है। किस्सा गोई के तर्ज पे एक ये जो फन है, ये भी स्टोरीबाजी एक आर्ट को आगे अभी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इनके आप टेड टॉक्स देखे होंगे तो उनमें इन्होंने हर बार स्टोरीबाजी की बात कही, और स्टोरीबाजी में जो कहानियों जो लुफ्त आता है वो काबिले तारीफ होता है। मुसाफिर कैफे की अपार सफलता के बाद नई वाली हिंदी के पोस्टर बॉय के तरह इन्हें चिन्हित कर बहुत प्रशंसा मिली है। मसाला चाय, सरते लागू, मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन जैसे प्रतिष्ठित किताबें, ये मशहूर किताबों ने लेखक दिव्य प्रकाश दुबे को कहानी कहने की अलग विधा के कारण युवाओं में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर किया है। तो आइए स्वागत करते हैं इनका तालियों से, जोरदार तालियों। हमारे दूसरे जो अतिथि हैं निलोत्पल जी, तो इनके परिचय में कुछ है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित निलोत्पल मृणाल 21वीं सदी की नई पीढ़ी के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में एक है। आप में से कई ने शायद पढ़ा भी होगा। नई वाली हिंदी के बड़े नाम हैं। झारखंड में जन्म हुआ, उसके बाद अपने गांव से रांची, रांची से दिल्ली, फिर दिल्ली से लोगों के दिलों तक एक लंबी यात्रा है जो काबिले तारीफ है। लेखन के अलावा लोक गायन और कविताई में भी बराबर गति रखने वाले निलोत्पल इन दिनों कवि सम्मेलनों का भी एक चर्चित चेहरा है। लाल किला की वो मशहूर कविता आपने सुनी होगी। आपके दोनों उपन्यास डार्क हॉर्स और ऑघर हिंदी की बेस्ट सेलर किताबों में आते हैं, जिसके लिए आपको चर्चित साहित्य अकादमी और प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है डार्क हॉर्स के लिए। उन्हीं के कहे अनुसार, लिखा हुआ उस आखिरी आदमी को समझ में आया कि नहीं जिसकी दुनिया से कच्चा माल खखोर के रचनाकार अष्टधातु बना के रचयिता बना फिरता है। और यही बात इनके साहित्य में भी खुल के उजागर होती है। पर एक बात है कि जो बारीकियां उनकी कहानियों को खास बनाती हैं वो है उनके नायक। खासकर मैं डार्क हाउस की अगर बात करूं तो उनके नायक हैं वो शहर और गांव के बीच में कई मर्तबा एक कड़ी जोड़ते हुए दिखते हैं, और कई बार उन्हीं के होने मात्र से, उन नायकों के होने मात्र से शहर और गांव का फर्क बिल्कुल साफ होकर उभर जाता है। और उन्हीं के शब्दों में कहूं तो, हम लोग गांव पर लिखते नहीं, वहीं हंसते, वहीं जीते, वहीं मरते हैं साहब। जय हो। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप लोग का बहुत बहुत आभार है, और खास करके मैं, मुझे इस बात का पूरा मतलब, मैं 3 दिन की यात्रा से आया हूँ लेकिन नींद के बावजूद भी मुझे इतना होश है कि मैं IIT के कैंपस में हूँ और वहाँ पर हिंदी लेखन पर हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए संख्या मायने नहीं रखती है। आपकी रुचि जो है वो हिंदी के लिए बहुत सकारात्मक है, और वो बहुत सुखद संकेत है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप IIT कानपुर के कैंपस में अगर हिंदी पर, हिंदी के लिखने वालों पर, नए लिखने वालों पर, अगर आप उनसे बातचीत करने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है तो ये बहुत सुखद है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि जितनी देर यहाँ पर हैं वो बहुत रोचक भी होगा आप लोगों से बात करना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग हिंदी की किताबें पढ़ते होंगे, पढ़ती होंगी, इसलिए यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, क्योंकि जबरन तो और भी ज़्यादा लाया जा सकता था लोगों को, तो इसलिए जो है कि हम लोग बहुत, इतनी संख्या के बावजूद भी हम लोग दोनों जो है वो उत्साहित हैं आप लोगों से बात करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारा जिस तरह से परिचय दिया गया है, हमारा परिचय ही हमारी बदनामी है, और हमारे परिचय में ही हमारी जो है कि सारी समस्याएं जो नई पीढ़ी की हैं वो हमारे परिचय में ही हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग अभी आगे बात करेंगे और फिर हम लोग बताएंगे कि किस तरह से धुंध
छांट के जो है कि आगे पढ़ना है हमारी नई पीढ़ी को, और हर पीढ़ी का संघर्ष वही है जो पुरानी पीढ़ी जो अभी पुरानी हुई है एक समय में कभी नहीं थी, तो वहाँ से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी IIT में जाता हूँ तो हमेशा मुझे वो दिन याद आते हैं अपने कोचिंग के, लखनऊ के दिन, जब मैं कोचिंग के पहले दिन मैं और मेरा एक दोस्त ऐसी कोने में बैठ के हम लोग सोच रहे होते थे। पहला दिन होता था कोचिंग का तो बहुत उत्साह रहता है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच ही जाएंगे, तो हम लोग सोचते थे जैसे IIT बॉम्बे में अगर मैकेनिकल मिली मुझे और IIT कानपुर में कंप्यूटर साइंस मिलेगी तो मैं क्या लूंगा। और ये कंफ्यूजन खत्म होता था जाके एंड में जब जनवरी फरवरी आ जाती थी कि यार बस लखनऊ छोड़ना है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो IIT में आने का जो अटेम्प्ट है, मतलब अब 20 साल हो गए, 20 साल बाद 16 साल बाद नंबर लगना शुरू हुआ IIT में, तो ये आगे बहुत अच्छा लगता है। और अब जैसे बहुत सारे, जैसे मैं जो TVF है बॉम्बे में तो मैं उनमें देखता हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ से इंटर्नशिप करने जाते हैं IIT बॉम्बे के, रायपुर के बच्चे और बहुत सारे, तो वो देख के अच्छा लगता है। बहुत सारे ITBHU के लोग वो चला भी रहे हैं उसमें, तो हम लोग को उम्मीद यही है। और दो पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन इस दुनिया में हमारा यही होगा कि यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आप लोग राइटिंग में आए और कुछ अच्छा करें उसके आगे आगे। चर्चा को एक नया रुख देते हैं और सवालों पे आते हैं। सबसे पहले जो साहित्य, समाज और नई वाली हिंदी, ये टर्म हमें जो दिखता है नई वाली हिंदी, हिंदी में नया क्या पुराना क्या, तो इस पे हम अवगत होते हैं निलोत्पल सर से कि नई हिंदी का तात्पर्य क्या है। देखिए ये 5 सालों से ये सवाल हर जगह हर मंच पे पूछा जाता है, और मैं तो अभी पूछने वाले से कहता हूँ 100 नंबर डायल कर लो, थाने में बात हो। असल में क्या है कि बात अगर नई वाली हिंदी को समझने से ही नहीं बढ़ेगी तो फिर निश्चित रूप से बाकी सारी बातें जो है वहाँ से फिर बढ़ती नहीं है। जो हम लोगों ने लिखा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर बात वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, इसी सवाल से रुक जाती है। यही जो हम लोग डेम बांध देते हैं यहीं पर, हम लोग जो नहर का पानी यहीं बांध कर रख दे रहे हैं, उसको सड़ा रहे हैं नई वाली हिंदी है। असल में जब हम किसी भी चीज़ को नई बोलते हैं तो ये आप साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो भाई नई क्या, नहीं ये हम लोग से लोग पूछते हैं कि आप क्या नया लेकर आए, तो नई हिंदी करने का अर्थ ये नहीं कि हम नए शब्द गढ़ दिए होंगे, व्याकरण हमने नया कर दिया होगा, उसका अर्थ बस इतना है कि आप अपने समय में कुछ नई प्रवृत्तियों को लेकर आ रहे हैं कि नहीं, जो पिछली परंपरा से थोड़ा अलग हो। उसका केवल भाषिक अर्थ नहीं है कि आपने भाषा, जैसे बहुत लोगों को भ्रम है कि नई वाली हिंदी का अर्थ ये कि ये लोग जो हिंदी में अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं गया इत्मीनान से। ये सब ऊपर ऊपर फेसबुक के पोस्ट देख के बात होती है ना, हमारी किताबों को अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आप अंग्रेजी के शब्द ढूंढ के जैसे निकालिएगा तो उतने अंग्रेजी के शब्द तो मैं मुक्तिबोध में भी निकाल दूंगा, उतने अंग्रेजी के शब्द मैं अज्ञेय में भी निकाल दूंगा। अब आप कहेंगे कि हम 21वीं सदी में कहानी लिख रहे हैं, अगर गोदान 21वीं सदी में लिखा जाता तो कलकत्ता में गोबर नोकिया का पतला पिन लेके घूम रहा होता, वो भी फिर जाके मोबाइल लेके रिचार्ज करवा रहा होता, तब फिर होरी को फोन कर रहा होता। वक्त का दर्ज जो हो रहा है, जो समय दर्ज हो रहा है, उस समय से सामने खाने वाली जो भाषा है, जो उसके तत्व हैं, जो ग्लोबलाइजेशन में केवल भाषा है, केवल पिज्जा थोड़ी आया है इंडिया, केवल जो है कि बर्गर थोड़ी आया है, केवल आप पेपे का जींस थोड़ी पहनने लगे हैं, केवल कंप्यूटर थोड़ी आया है, केवल विज्ञान थोड़ी आया है, ज्ञान ही केवल ही नहीं आया, भाषा भी तो आई है ना। तो जब भाषा आई है, जब नए नए आविष्कार आए हैं, तो वो शब्द आए हैं उसके साथ आए हैं। जैसे कि हम अगर योग बोले तो योग का कोई अंग्रेजी नहीं है पूरी दुनिया के पास, क्योंकि योग हमने दिया, लेकिन कंप्यूटर उन्होंने बनाया, अब हमारा काम उसका हिंदी बनाओ, कंप्यूटर नहीं बनाओ, कंप्यूटर का हिंदी बनाओ, मोबाइल ही बनाओ, पहली बार मोबाइल का हिंदी पकड़ो। तो हम जो है, हमें मोबाइल बनाना चाहिए था, हमें कंप्यूटर बनाना चाहिए था, पूरी दुनिया उसको संगणक बोलती है, अगर हम संगणक बोलते हैं, अब वेद में है ही नहीं कंप्यूटर, तो हिंदी खोजते रहो, तो फिर बैठ के बनाते हैं, पसीना चुवाते हैं, झूठ मूठ में 4-5 सब मिला उला के बना देते हैं, इसी को माना जा संगणक, तो कंप्यूटर हो गया, अंतरजाल तो नेटवर्क हो गया। मेरा कहना है कि नई प्रवृत्ति का अर्थ यही है कि जब हम 21वीं सदी में नए पारिभाषिक शब्द लेके आ रहे हैं जो हमें पूरी दुनिया से मिले हैं, जिससे हिंदी समृद्ध हुई है, वो हमारी कहानियों में आ रहा है। दूसरा, कथानक के स्तर पर कुछ नई प्रवृत्तियां आई हैं, जैसे कि आज से 20 साल पहले कॉलेज कैंपस को लेकर उपन्यास का कथानक नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा,
ठीक है ना, मतलब विद्यार्थियों के जीवन को लेकर बड़े भाई साहब के उन्होंने लिखा था, बड़े भाई साहब प्रेमचंद ने जब लिखा, उसके बाद फिर अमरकांत ने एक कहानी और लिखी थी, उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं, हाँ वही वही है, तो फिर हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि भाई विद्यार्थियों के जीवन मतलब है ऐसा नहीं, मुझे मैं दो चार और भूल रहा हूँ उदाहरण, लेकिन इस तरह से कि 10 लेखक आए और 10 कॉलेज के कैंपस पर लिख दे कहानियां, वो आईआईटी के इंजीनियर इंजीनियरिंग करने वाले लड़कों की कहानी हो जाए, वो यूपीएससी करने वाले लड़कों की कहानी हो जाए, तो हम कथानक के स्तर पर नई चीज लेके आए थे। तो अब इसको जब हम युवाओं से जोड़ रहे थे, वैसे युवा को जो तकनीकी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है इस मुल्क में, जिसको मैट्रिक स्तर पर यूपी बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के जिन लड़कों को मैट्रिक तक बताया जाता है कि अंग्रेजी पढ़ के क्या फायदा, उसका नंबर नहीं जुटेगा है ना, तो उन बच्चों को जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाया गया था, वो बेचारा जब मैट्रिक कर लेते हैं और जब आईआईटी की तैयारी के लिए जाते हैं तो उनको ब्रह्मांड समूचा दिखने लगता है कि यार लालटेन जला के पहले अंग्रेजी पढ़ना है, तो वो पीढ़ी जो अचानक से हिंदी को समझती कि तुमको बर्बाद कर देगी, वो इसलिए नहीं कि उसको हिंदी खराब लगता है, इसलिए कि उसको बताया जाता है कि आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नियोग्य कहलाओगे, तुम अयोग्य कहलाओगे, तो वहां से जब वो अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देती है तो उसके अभ्यास में अंग्रेजी आता है, वो अंग्रेजी अखबार पढ़ती है, वो अंग्रेजी मूवी देखने लगती है, वो पीढ़ी वो अंग्रेजी की किताबों का अभ्यास करती है, और धीरे धीरे 10-15 साल के बाद उसका हिंदी से अभ्यास छूट जाता है। तो हमने ये किया कि उस पीढ़ी को जो असल में हिंदी में सोचती थी, उसको हमने कहा कि हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं ये किताबें लेके, तुम अपनी दुनिया को अपनी भाषा में पढ़ो, फिर ये हमने किया। तो हम इस पूरे समुच्चय को नई वाली हिंदी बोलते हैं। कई बार आप जो अभी अगला सवाल पूछेंगे नई वाली हिंदी क्या मार्केटिंग टूल से, नहीं वो केवल मार्केटिंग टूल हो सकता है कि उसमें मार्केटिंग भी आ जाए, क्योंकि अपील तो होना चाहिए ना किसी शब्द में। आप अगर मैं अगर कहूं कि मैं रिझा रहा हूं तो ये भी गलत है साहित्य के लिए, मैं रिझा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बुला तो जरूर रहा हूं ना, मैं हकार भर रहा हूं कि वो पीढ़ी जो अभ्यास से कट गई थी, जिसको हैरी पॉटर की कहानियों में भी रहस्यवाद दिख रहा है ना, उसको मलिक मोहम्मद जायसी का रहस्यवाद नहीं पता है, उसको हैरी पॉटर में ही रहस्यवाद दिख रहा है, तो उसको हमने कहा कि एक बार सुनो, हेलो नॉक किया हमने उसको, फिर जब वो पलटा तो उसके सामने हमने नई वाली हिंदी रख दी, इस नाम से रख दी। तो हमने हर वक्त भाषा नहीं होती है, दुनिया की कोई भी भाषा हर दिन नहीं होती है, भाषा पुरानी कभी नहीं होती है, उसका एक शर्त है कि वो हर दिन नहीं होगी, उसमें कुछ नए शब्द आएंगे। हाँ, तो जब भी आप किसी भाषा को नई वाली कहेंगे तो वो मुकम्मल होगा, वो तार्किक होगा, वो बिल्कुल लॉजिकल होगा, क्योंकि भाषा सड़ती नहीं है, दुनिया की कोई भी भाषा बोले जाने के कारण खत्म नहीं हुई है, नहीं बोले जाने के कारण खत्म हुई है। तो हिंदी की एक ताकत है कि अगर आप हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी उसके शब्द उसमें ले आएंगे तो आपको खटकेगा नहीं, लेकिन आप अंग्रेजी बोलते बोलते एक शब्द भोजपुरी का बोल दीजिए, लगेगा कि आत्मा शेक्सपियर जहर खा लिया ऊपर लेकिन हिंदी की ताकत है, क्योंकि हिंदी हमेशा से भारत की भाषाओं में साझी संस्कृति का नाम है, उसमें अरबी है तो उर्दू है तो ब्रिज है, फारसी है, भोजपुरी है, मुंदेली है, हिंदी अपने आप में फारसी शब्द है, शुद्ध हिंदी ऐसी कोई अवधारणा ही नहीं है भाई। तो ये जो हिंदी वाली बात है, वहां से जब उसमें अंग्रेजी के भी कुछ शब्द आ गए, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन के उस दौर में है जहाँ कुछ शब्द को आप उसी तरह से लेते हैं जैसे कि अंग्रेजी में लिया जाता है, जैसे कंप्यूटर, तो आप उन सब को लेके नई वाली हिंदी को ना समझे, नई वाली हिंदी इन्हीं नई प्रवृत्तियों के समुच्चय का नाम है, जिसको हम नई वाली हिंदी के रूप में अपील करने के लिए कहते हैं लोगों को, है ना ये, क्योंकि इतना बात अगर बोलेंगे नई वाली हिंदी के बारे में तो बोलने नहीं देगा, आप बोलने का मौका दिए ना, इतना फिर किसको बताइएगा नई वाली हिंदी, सुनिए एक माइक लाइए बैठिए बताते हैं, ये तो आपने भी सुन लिया, इसलिए हमने उसको नई वाली हिंदी कहा कि उस एक फ्रेम में आप इन सारी चीजों को समझ लें, यही है नई वाली। अब ये तो जाती है ना, इसका बचा कह रहा हूँ साथ। देखिए बहुत आसान बात है, सवाल सबसे ज्यादा आसान है इस देश में निलोत्पल से पूछना, क्योंकि अगला सवाल आप क्या पूछेंगे वो भी पहले ही बता देते हैं। तो ये हमेशा से मुश्किल है, और हमेशा जो उस्तादों का काम होता है ना, जो मुश्किल होते हैं वो शागिर्दों का काम मुश्किल करते हैं, तो निलोत्पल इस मामले में गुरु आदमी है। नई वाली हिंदी मैं जब हम लोग जैसे बहुत सारी जैसे इसमें कोई बात बची नहीं है, बस एक क्या होता है ना कि हर जनरेशन का, जैसे एक फिल्म आई थी रॉकस्टार, तो उसमें उन्होंने साडा हक का एक दिया था, साडा हक एक्चुअली जो पहली बार यूज हुआ था वो बहुत पहले वो खालसा मूवमेंट उस समय वो टर्म था वहां का, और वो उस समय से उठा के उन्होंने जब साडा हक रॉकस्टार बोला तो एक पूरी जनरेशन का नारा हो गया साडा हक,
या फिर जैसे 2007 या 8 में चकदे फिल्म आई थी, तो जैसे चकदे भूल चुके थे लोग, वो टर्म वो होता था, लोग करते थे चकदे, वो चकदे को वो मेन स्ट्रीम लाया। तो जैसे नई वाली हिंदी ना इस जनरेशन का जो नए वाले लोग आए ना, इस इमोशन को कैप्चर करती है कहीं ना कहीं, कि हम लोग उसको इस भावना से व्यक्त करें कि ये है कुछ बात हो रही है नई। क्योंकि जो इनिशियल थॉट था ना कि जो और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है हिंदी में, अगर हिंदी का थोड़ा सा भी इतिहास आप पीछे जाके देखोगे, जिसकी जरूरत नहीं है सच यहाँ पे मतलब पढ़ाई करते हुए, लेकिन थोड़ा सा पीछे तो 1953-54 में ये राजेंद्र यादव कमलेश और ये लोग जो नए नए राइटर्स उस समय के हिसाब से जो नए थे ये लोग आ रहे थे, तो इन्होंने नई कहानी आंदोलन पहली बार शुरू किया। और नई कहानी हुआ क्या, इन्होंने शुरू किया बोलना शुरू किया नई कहानी, वो जाके एक्सेप्ट हुई 1956-57 में, 3-4 साल बाद। तो जो हम लोग नई वाली हिंदी बोल रहे हैं, मुझे लगता है अब से उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों को लगा कि अरे हमने हिंदी की किताब नहीं नई वाली हिंदी की किताब पढ़ी है, वो अगला 10 साल जाएगा अभी उसमें। लेकिन नई कविता आंदोलन हुआ, अकविता हुआ, तो इस जनरेशन को हमें लगा था कि एक पूरा नारे की जरूरत है, और उस नारे में ना सब कुछ होता है, उसमें स्ट्रगल भी होता है, उसमें एस्पिरेशन भी होती है, उसमें हम जो आने वाला सपना देख रहे होते हैं हिंदी के लिए वो भी होता है। तो नई वाली हिंदी हमारे ना वो जैसे एक तरीके से ना जैसे माथे पे आप लगाते हो ना, जैसे लोग जैसे आजकल लोग जय श्री राम का भी लगा लेते हैं, तो हमारे लिए हमारा मोटो है वो नई वाली हिंदी कि ना हम ये हमारा विचार है जो हम आगे लेके जाते हैं। अच्छा है बुरा दूसरा आदमी डिसाइड करता है, लेकिन हम लोग उसको वैसे ही देते हैं। बल्कि एक और छोटी सी चीज की जैसे एक और जो डिस्टेंस भी आ गया था ना, तो मैं ऐसे समझाता हूँ उसको कि जैसे कोई किसी के बाप की उम्र 50 साल है और उसको एकदम से ध्यान आया कि यार मेरा बेटा 20-22 साल का हो गया है, अब मैं उसको बेटे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता ना, अब मुझे इसका दोस्त होना है। तो जब वो दोस्त होने की कोशिश करेगा तो वो कैसे बात करेगा, उसको 22 साल के उम्र में आके बात करनी पड़ेगी, तब आप हाथ बढ़ाओगे ना। तो नई वाली हिंदी वो भी है कि जो आजकल की जनरेशन पढ़ रही है, तो हम लोग एज अ फ्रेंड उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। जैसे जितना हम लोग जैसे बात कर रहे, तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग बड़े साहित्यकार हो गए कि हम लोग जवाब नहीं देंगे या होंगे, जो एक अप्रोच रहा था कभी, तो एक दोस्त की तरह जब आप अंतरंगता से, इंटीमेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आप अंतरंगता से किसी से मिलते हो, तो वो भी नई वाली हिंदी ही है कि वो आप बीच का गैप हटा दो, बीच के कि नहीं ये जैसे पहले माना जाता था ना कि ये तो लेखक हैं, तो एक बन जाती थी इमेज तुरंत एकदम से, आप जैसे बोलते थे हिंदी के लेखक है, तो आज से 10 साल पहले एक इमेज थी, एक झोला होगा, एक कुर्ता होगा जिसमें जानबूझ के एक छेद किया होगा किसी ने, एक साइकिल भी होगी, तो उस इमेज से बाहर जाने की भी जरूरत है। तो वो सारी चीजों को कैप्चर करता है और नई वाली हिंदी जो नाम है, तो ये है हमारे लिए इमोशन है नई वाली हिंदी। ऐसा एक सवाल पूछना चाहूंगी निलोत्पल से, तो आपने जब भी अभी बोला कि कॉलेज की कहानियां पहले प्रेमचंद ने लिखी, फिर एक बड़ा गैप आया, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी गैप के बाद में अब लोगों ने लिखना शुरू किया है उस पे, और फिर आपने बोला एक साथ 10 किताबें आ जा रही हैं अब, तो मतलब अगर इसे ही नई हिंदी का सृजन का एक उदाहरण मान लिया जाए, तो ये मौजूदा समय की मांग है या समय की मांग को बनाने की कोशिश? नहीं नहीं वो बात नहीं है, इतना जल्दी समय का मूल्यांकन नहीं होता है। हम लोगों की पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम लोग मूल्यांकन की हड़बड़ी में है, रचने का धैर्य नहीं है, मूल्यांकन की हड़बड़ी है, और सबसे जरूरी है रचने का धैर्य। हमने जैसे नई कविता नई कहानी का आंदोलन की बात इन्होंने की, वो आंदोलन है ये बात तो तय हुआ 20 वर्ष के बाद, उस वक्त को पता ही नहीं था कि एक आंदोलन की तरह बढ़ेगा। तो अभी जो हम रच रहे हैं वो अवसर नहीं बल्कि वो अपने समय का तकाजा है। हम जिसके लिए लिख रहे हैं, मेरे आसपास का समाज कैसा है, प्रेमचंद के आसपास का समाज कैसा था, प्रेमचंद जब स्कूल जाने के लिए घर से निकलते थे, थोड़ी दूर पर एक किसान महाजन से लाही करता हुआ दिख जाता था, वहां से जाके आगे बढ़े तो एक धनिया पुआल काटते हुए दिख जाती थी, वहां से वापस आए तो पता चला कि जमींदार साहब का शतरंज का खेल हो रहा है, वहां पर प्रेमचंद जाके बैठे पता चला कि घोरी जैसा आदमी आ रहा है, वो कह रहा है कि इतना कर्जा ब्याज है हुजूर, इतना तो नहीं चुका पाएंगे, बहुत दिक्कत है, अगर मार कर बांध के मार। ये प्रेमचंद देख के आ रहे थे, हम निकलते हैं मुखर्जी नगर में या ये निकलते हैं मुखर्जी, पता चलता है 3 लड़का IIT का सिगरेट पी रहा है, छल्ला बना रहा है। तो हमारे जो आसपास का समय है उसको दर्ज करेंगे ना, आप प्रेमचंद नहीं है कहेगा आपके कहानी हो रही नहीं है, भाई हम अपने वक्त में है, मेरे वक्त का जो किसान है वो भी आना चाहिए मेरी कहानी में, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन समाज जितना बदला है उस बदलाव की कहानी आप कहेंगे। तो हो सकता है कि मैं अगर दिल्ली में बैठ के कहानी लिख रहा हूं तो मुखर्जी नगर की कहानी लिख रहा हूं, लेकिन मैंने दूसरी किताब जो लिखी 400 पेज में एक शब्द नहीं है उसमें सार के,
मैंने दूसरी कहानी ओगड़ लिखी है, ठेठ गांव है, 21वीं सदी का ठेठ गांव है, उसमें ऐसे भदेश के सब, मतलब वो भदेश का शब्द है उसमें, वो देहात के ऐसे शब्द है जिसका मीनिंग लोग मुझसे पूछते हैं हिंदी के प्रकांड विद्वान कि इसका शब्द क्या है, हम लोग तो भूल चुके हैं क्योंकि मैं वहां भी बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली से जाता हूँ, वहां भी चौकी छोड़ा नहीं, वहां तकिया चौकी लगा हुआ, बिछौना भी मेरा वहां है ना। तो बात यह है कि आप अपने परिवेश को दर्ज कर रहे हैं, आप अपने आसपास की कहानियों को दर्ज कर रहे हैं। अगर कोई युवा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, वो एमबीए कर रहा है और उसके आसपास की कहानियां उसी जिंदगी की जुड़ी हुई है, तो उसको लिखने दीजिए ना, उससे ये डिमांड क्यों रेनू हो जाओ तुम धमधा पूर्णिया कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो, उससे ही जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। लिख रहा है कोई आदमी इसी के बीच में गमछा लेकर आया है ना, लिख रहा है उसी पीढ़ी में तो लिख रहा है, एक आदमी प्रेम पर लिख रहा है ना, तो ये जरूरी नहीं, ये किसी पीढ़ी पर थोपा नहीं जाना चाहिए या उसको ना तुलनात्मक अध्ययन के लोचे में फंसा देना नहीं चाहिए कि आप चूंकि बड़े, ये आपके राइटिंग पर इसलिए विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने तो हाल मजदूर किसानी अभी शुरू किया नहीं लिखना है ना। आप अपने आसपास के ही चीजों को दर्ज करेंगे तो प्रमाणिक तौर पर करेंगे। कहानी का शिल्प और कहानी की संवेदना आपको महत्वपूर्ण बनाती है। विषय बात का विषय है, बात है कि हमने जो विषय चुना उसके साथ न्याय किया कि नहीं किया, हमने जो विषय चुना हमने उसको कैसे दर्ज किया, उसमें हमने कितना अपने समय का ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, उसमें हमारी दृष्टि है कि नहीं, हम अपने समय को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि हम उन्हीं किताबी दृष्टि से देख रहे हैं जिसको पढ़ के आ रहे हैं। पिछले 20-30 साल में साहित्य में यही हुआ है, किसी को मुक्तिबोध बनना था, किसी को अज्ञेय बनना था। प्रेमचंद से एक बात सीखिए, प्रेमचंद को चंद्रकांता का लेखक नहीं बनना था, प्रेमचंद ने एक लंबी लकीर खींच दी। जब हिंदुस्तान में चंद्रकांता संतति लिखा जा रहा था, जासूसी उपन्यास लिखा जा रहा था, वहीं पर प्रेमचंद ने यथार्थ लिखना शुरू किया, सामाजिक यथार्थ लिखना शुरू किया और एक लंबी लकीर खींच दी जहां पर सारे जासूसी काल्पनिक और रोमांच भरे उपन्यास सारा वीरेंद्र विक्रम उस पार कर गया घोड़ा लेके और आने लगा गोबर धनिया। तो वो जो लकीर खींची वो प्रेमचंद पर दबाव नहीं था, उनको किसी परंपरा को ढूंढना है। पिछले 20-30 सालों में हिंदुस्तान के हिंदी लेखनी में परंपरा ढूंढना, चमचागिरी जिसको बोलते हैं मठाधीशी की परंपरा से, कि हम मुक्तिबोध का झोला ढोएंगे। कहा है कि मुक्तिबोध को, मुक्तिबोध के एक चेला डीयू में प्रोफेसर है, बहुत बड़े आदमी है, तो हम उनके साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं की परंपरा से आए हैं, तो हमको वो बताते हैं कि मुक्तिबोध ऐसे पीते थे बीड़ी, ऐसे पीते थे सिगरेट, ऐसे लिखते थे, तो फिर मैंने थोड़ा किया तो मुक्ति हुआ, बोध नहीं हुआ मुझे। तुम थोड़ा सा बढ़ो तो तुमको हो जाए बोध बोध। तो हमने वो काम किया कि हमने परंपरा ढोने का दबाव नहीं था, ऐसा इसलिए नहीं था कि हमने सायास किया, अनायास हो गया, इसलिए हो गया कि हम हिंदी की परंपरा से, झोला परंपरा से आए नहीं थे, हमें पता नहीं था कि डीयू में या जेएनयू में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, रांची विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है हिंदी के, तो हमें यह भी नहीं पता था कि वो किस परंपरा को ढोने का हमें दायित्व देंगे। छोड़िए ढोने का नहीं, बढ़ाने का, अच्छा शब्द इस्तेमाल कीजिए कि बेटा इसे बढ़ाओ, इस झोले में और कुछ भरो, हमें ये पता नहीं था। हम ऐसा नहीं कहते हमने तय करके किया, हमें नहीं पता था क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, नहीं हमें लिखना था, जब तो हमने लिखा। लिखने का शिल्प जिससे आता है वो तो मूल्यांकन, मैंने अभी कहा वो मूल्यांकन अभी नहीं होगा, आप अभी 0 नंबर भी हमें नहीं देंगे, आप हमको 100 नंबर भी नहीं देंगे, 10 साल हमें पहले पढ़िए, 10 साल लिखने दीजिए, अभी तो दूर बात है, सही बात है, अभी तो हम बिक जा रहे हैं तो उसके लिए गाली दिया जा रहा है, कितना मनहूस लेखक है, बिकता है, पॉपुलर है, इसको लोग पढ़ते हैं, छी 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 पढ़ते हैं इसको लोग, इतना घटिया लेखक है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, ये युवाओं में पसंद आ रहा है। मतलब देखिए अभी मूल्यांकन के टूल्स क्या है, अभी मूल्यांकन के औजार कैसे कैसे हमारे सामने रख दिए गए हैं, ये पढ़ा जा रहा है, इसको छू ही मत, ये तो पढ़ा जा रहा है, ये बिकता है, ये तो पसंद आ रहा है लोगों को, इसका मूल्यांकन नहीं होगा, बुलाओ किसी महामनहूस को जिसकी किताबों में खून लगा हुआ है, जो महान रचयिता है, जो हिमालय की वादियों में कहीं जाकर खोया हुआ है, जिसकी किताब जो है कि वो मतलब कहीं हिमालय में कौन सा पेड़ होता है, बड़े हाँ वही, जो हंस में छप रहा है, जो कौवा में छप रहा है, जो गिद्ध में छप रहा है, उसका मूल्यांकन करो, जो किसी के दिल में छप गया है, जो यूथ हमें मिलता है सड़क पे, कहता है कि मेरी जिंदगी बदल गई इन किताबों को पढ़ने से, हमें यह पसंद आया, ये किरदार पसंद आया, उनका मूल्यांकन नहीं है। तो इसलिए हम अपने समय का फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम अपने समय में चल रहे हैं, हमें अपने समय की चुनौतियां भी मिल रही हैं, हमें अपने समय का भी दंश झेलना है हमारी लेखनी में जो है, और हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और सबसे खास बात,
कि हमारी पीढ़ी का मूल्यांकन पढ़ के किया जाना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। जो पढ़ रहे बेचारे मूल्यांकन वाले पद पे नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आप मूल्यांकन करिएगा नहीं, आप कर रहे हैं, आप ही के कारण हम में पढ़े जा रहे हैं, आप फेसबुक पर कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। तो अब हर जो है कि महामठाधीश भी रात भर हरावती जला कर आता है, वो भी फेसबुक पर रहता है, बताता नहीं है, धतुरा का फूल लगा देगा डीपी में, रहेगा वही चुप चुप के। हेलो फ्रेंड्स करेगा, तो बाद में आपको पता चलेगा अंकल थे ये हिंदी के, आपको नहीं पता चल रहा है, वो भी वहां पे हैं, लेकिन वो बचते हैं क्योंकि उनको ना रोज परीक्षा देने का अभ्यास नहीं था। फेसबुक ने क्या किया, डेमोक्रेटिक मंच दे दिया, आपका लेखन आपका व्यक्तित्व दोनों अब दिखने लगा, पहले केवल किताब दिखती थी। हमारे समय का चैलेंज क्या है, हम खुद आपको दिख रहे हैं। अब हमने जो लिखा है, अगर दिव्य प्रकाश दुबे और नीलोत्पल मृणाल का आपको व्यक्तित्व उसके लेखन से नहीं मिला, यहीं सिद्ध हो जाएगा नकली लेखन है इसका, यही सिद्ध हो जाएगा कि भाई पर्सनालिटी क्या था इस आदमी का, लिख के आ रहा था, फर्जी है, कहीं से लाता है ना। लेकिन जब आपको लगेगा लेखन, ये रोज एग्जाम देना आज से 20 साल के पहले के लेखक को नहीं था, उसके उनको गुस्सा आता है सोशल मीडिया से, कहते हैं फालतू चीज है, यहाँ पर बहुत कूड़ा भरा हुआ है। कूड़ा तो कालिदास के समय में भी था, उसका भी पड़ोसी लिख रहा होगा कुछ अंडबंड चला मेरे को। इसलिए आपको ये देखना होगा कि हम अपने समय को जो दर्ज कर रहे हैं ये कोई लाभ उठाने वाली बात नहीं है, हम अपने समय को अपने समय में ही लिखेंगे ना, वेट थोड़ी करेंगे 15 साल बाद लिखना गुरु बूढ़ा हो लो पक लो, जब पक लेंगे तो आलोचक चूस लेंगे फिर आम को। इसलिए जब तक कचरस है, जब तक कसैला है, हम लोग लिख रहे हैं, पकाएगा वक्त हम लोगों को, है ना। कहानियां पकेंगी, कैसे पकेंगी, नहीं पकेंगी, 10 साल बाद 15 साल बाद जब आप मूल्यांकन करने बैठेंगे तो कह दीजिएगा भाई 2010 से या 2015 से 2025 का जो काल था हिंदी साहित्य का, बहुत बुरा काल था, उस काल में 2-2 लाख किताब बिकने वाले आए थे 2-4 लेखक, इन्होंने सत्यानाश कर दिया, खाने लगे थे किताब बेचकर, अच्छा से रहने लगे थे, लोगों को प्रोत्साहित करने लगे थे, IIT जैसे जगहों पर हिंदी में बात होने लगी थी, मैं तो तबाह हो गया था इन सब चीजों से। हिंदी को तो दिल्ली में रहना चाहिए था, इंडिया हेरिटेज सेंटर में, बस उससे बाहर नहीं जाना चाहिए था। ये हिंदी कहाँ कहाँ जाने लगी यार, NIT में जाने लगी, IIT में जाने लगी, IIM में जाने लगी, बड़ा घटिया समय था। ये बोलेंगे लोग 20 साल बाद, हमें इसकी चिंता नहीं है। अभी राज दरबारी का 50वां वर्ष मना रहा है पूरा देश, राज दरबारी को 30 साल तक उपन्यास नहीं माना किसी जी, वही कहा कि राज दरबारी नहीं पढ़े जाने के लिए सप्त है, उसकी अपठनीयता ही उसका, वो अपठनीयता के लिए ही अभिशप्त है वो किताब कहा गया राज दरबारी को, कि राज दरबारी अपठनीय है। और अभी जितने भी अपने आप को फेसबुक पर व्यंग का बादशाह समझता है, सब अपने आप को सुराल शुक्ल बोलते हैं, है ना, वही है। और राज दरबारी के कारण ही सुराल शुक्ल को पढ़ा गया है। आज भी आप किसी आम आदमी से, किसी पाठक से, जो पुस्तक मेला वाला पाठक होता है, जो फेसबुक पर लगाता है इस महीने की खुराक, इस महीने का टेबलेट, ये लिया एक झोला, 3 महीने में सलट दूंगा, ऐसे वाले जो पाठक आते हैं वो पाठकीय आतंक, उनसे पूछेगा भाई बताओ सिद्धार्थ शुक्ल की तीसरी किताब, दूसरी भी मान लीजिए बोलते नहीं बताएंगे ना। तो वहां पर भी राज दरबारी 50 साल के बाद जब मूल्यांकन हुआ तो राज दरबारी क्लासिक है, अब स्वर्ण जयंती मना रहे हैं उस किताब का। तो क्या लिख रहे हैं, अभी मूल्यांकन होगा धीरे धीरे, अभी 10 साल इस हलबड़ी में नहीं रहना चाहिए मेरी पीढ़ी के किसी भी रचनाकार को, कि आप क्या तीर मार रहे हैं ये अभी सोचने का वक्त नहीं है। वक्त ये है आप हमसे पूछिए कि जो आप लिख रहे हैं उसमें कितना खालिस माल है, कितना उसमें असली माल है, अभी वो अभी छांटने का वक्त है कि चावल में कंकड़ कितना है निकालो, चावल का क्वालिटी खाइएगा धीरे धीरे पता चलेगा बासमती था कि सोना था कि सीता था, है ना। तो ये बात है, ये हमारे पाठक वर्ग के लिए एक संदेश की तरह रहेगा कि मौजूदा वक्त में जो एक पाठक वर्ग है जो समकालीन कृतियों को और पुरानी कृतियों, मतलब समकालीन कृतियों को डिस्पाइस वाला जो एलिमेंट होता है वो करते रहते हैं, तो अगर ये सबक रहे कि मूल्यांकन में इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, तो इन्हें सबक रहेगा कि पाठकों की ओर से एक बात आता है, हम लोग देखते हैं आपने बोलचाल की भाषा में लिखा है, बड़ा अच्छा लगा, ठीक लगा, हाँ वही सर अच्छा है, आप तो अच्छा अच्छा शब्द बोल रहे हैं, आप एंकर हैं, जो बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा, आप बोलचाल की भाषा में लिखा, अच्छा लगा, बड़ा कूल था, ठीक लगा,
आरामदास का पोथा पढ़ा है आपने? मैंने पढ़ा, समझ नहीं आया, लेकिन लेखन वो है। क्या क्लासिक लिखा है। मैंने तो नहीं समझा, मैं पिताजी को बुलाया, वो भी कर बचा। नब्बे में बीपीएससी कर ली, हमसे भी नहीं हो पाया। तो कहते हैं सर, तो बोल चाल, आप हिंदी की किताबों को लाइए, आप पूछिए उस पाठक से प्रेमचंद किस भाषा में हिंदी लिख रहा है, किस भाषा में लिख रहा है, नहीं पढ़ रहे हैं लोग। काशीनाथ किस भाषा में लिखे हैं? असल बात यह कि नहीं पढ़ना है, या तो उनको नहीं पढ़े या इस दौर के लोगों को नहीं पढ़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि पात्र की भाषा कैसी होती है। किताबों में दो तीन तरह की भाषाएं होती है ना भाई। एक लेखक का डिटेलिंग होता है, जो नरेट करता है, उसकी एक भाषा होती है, पात्रों की एक भाषा होती है, भाषा देश काल परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। तो ये 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 जो है ये अध्ययन है ही नहीं, नए रचनाकारों को लेकर इतना गंभीर होकर पढ़ा ही नहीं जाना है। तुरंत बुला के फेसबुक पर दिख गया, लाइव दिख रहा है अभी वो जो ऑनलाइन लेखक आपका, पढ़ा हल्का फुल्का था, बड़ा मजा आया, ठीक था, अच्छा था। अब क्या पढ़ा उसके बाद, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये जो बात है कि हल्की फुल्की बात, हल्की फुल्की भाषा, असल बात यह है जो जिसको आप सहज कह रहे हैं ना। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि कालजयी रचना तरकारी बेचने की भाषा में लिखी जाएगी। तरकारी बेचने वाला जिस भाषा में बात करता है, सब्जी बेचने वाला, कालजयी रचना उसी में लिखी जाएगी। अगर इसी पांडित्य के व्याकरण के औदात्य में अगर बांध के रख देते आप तुलसीदास को, तो अवधि में लिखा गया रामचरितमानस कहां घर घर में आपको पाया जाता, आप बता दीजिए, नहीं पाया जाता। तो बस लिखा जिन्होंने संस्कृत में लिखा रामायण, वे आपको पता भी नहीं है, तो कहां वाल्मीकि पढ़े जा रहे थे। लेकिन रामचरितमानस घर घर में लिखा, अब तुलसीदास का ये बेस्ट सेलर है गीता प्रेस, बस हो गया इनका। ये बात है कि आप अपने समय की भाषा लिख रहे हैं, सहज बोलचाल नहीं, अपने समय की भाषा। और ये जिद नहीं होना चाहिए कि हम व्याकरण को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, उसको अपने समय के औजार के तौर पर आप इस्तेमाल कीजिए। आप साहित्य को ईंधन बनाना चाहते हैं कि आयुध बनाना चाहते हैं? आप दवा बनाना चाहते हैं कि बारूद बनाना चाहते हैं? आप अगर अपने वक्त के साहित्य को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं बजाय हथियार और आयुध के, तो आप निश्चित रूप से सहज ही लिखेंगे। और साहित्य का काम है गांठ खोलना, जो बंधी चीजें हैं उसको सरल करना। क्लिष्ट लिखना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है अगर कथानक की मांग नहीं है, अगर उस विषय का वो नैसर्गिक मांग अगर नहीं है, तो आप क्लिष्ट लिख के किसको चमत्कृत कर रहे हैं? अपने हो सोफा पर बैठ के खुद ड्राइंग रूम में तो आप नहीं, जस तस भी नहीं, जैसा देख रहे तैसा लिखना भी लेखन नहीं है केवल, वो तो इतिहास लिखना है, वो तो रिपोर्टिंग है, जो तो एनडीटी भी कर रहा है, दीपक क्यों क्या कर रहा है, देखिए ये आदमी गिरे हुए हैं, उठ रहे हैं, अभी यहाँ पर बोतल पंप मिला है, यहाँ पर रेंच मिला है, प्लास मिला है, वो राइटिंग नहीं है, जैसा देखा तैसा लिख रहा है, नहीं वो तो गिर रहा है, वो तो रिपोर्टिंग है। लिखने में दृष्टि होती है, जो दिखा उसको आपने सोचा कैसे, उसका विश्लेषण कैसे किया, ये महत्वपूर्ण है। आप हम लोग बोलते बोलते इतना भी नहीं बोल जाएंगे जोश में कि हाँ हमने जैसा लिखा वैसा, जैसा देखा वैसा लिख दिया, ये नहीं होता है लेखन में। वो तो अरे देखना तो है ही, देखना तो है, आप वही ना जब बिल्कुल बिल्कुल वो होता ही है, होता ही है। तो यही बात है, वही जो तो ये वाला जो भाषा है हल्का फुल्का, तो हल्का फुल्का नहीं, अपने समय की भाषा। जब आपके पास भाषा ही नहीं है अपने वक्त की, तो फिर आप क्या बताएंगे लोगों की आपने लिखा क्या, तो वो बात है। नहीं तो अच्छी बात है कि ये दिखी आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नए राइटर को जब पढ़ा जा रहा है, उनके बारे में ये अफवाह फैला दिया गया है कि उनके पास अंग्रेजी के शब्दकोश है, ये बिल्कुल गलत आरोप है, बिना पढ़े। अब अगर दिव्य प्रकाश दुबे अपनी मसाला चाय की कहानी को शुरू करेंगे बनारस के बीचू से और उसको बेंगलोर अगर ले जाएंगे, तो बेंगलोर की यात्रा में, हवाई जहाज की यात्रा में, हम एयर होस्टेस से कैसे बोलेंगे लंका वाली भाषा बोल रहे कुछ ही कैसे संभव है भैया, हमसे बुलवाइए, हम औगर का लेखक है, हमारा पात उठाएगा टेंट लंका जला देगा।
आप कथानक की डिमांड को उसकी मांग को नहीं पर आप पात्रों का परिचय नहीं है आपसे, लेखक का परिचय आपको भी तो बताइए, ये लोग इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आके ऐसे लिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता ना। तो ये जैसे बहुत सारे एक हंस कर आती थी किताब बहुत अच्छी एक समय पे, तो उसमें जब बाद वाले दिनों में मतलब जो 2001 से 2010 के बीच में कई सारी कहानियां ऐसी आती थी उसमें, मेरे को मालूम है राइटर्स का नाम लेकिन वो लेना सही रहेगा ना, इतना भी क्यों फेमस करना है किसी को। तो उसमें एक लेडी थी, उनकी एक कहानी थी, वो कॉल सेंटर में वो लड़की काम करती है और वो जिससे बात कर रही है ना, तो जैसे कई बार क्या होता है जब वो लड़की जब बोलती है ना, तो जैसे कोई बार बार उसके कान में आके चिल्ला रहा हो कि नहीं नहीं तुम हिंदी कहानी की हीरोइन हो तुम हिंदी में ही बात करोगी, वो होता ही नहीं है। जैसे कोई सेक्टर 62 नोएडा में कॉल सेंटर में काम करता है और वहां पे और जो अट्टा मार्केट घूमता है वो वैसी बात ही नहीं करेगा आज से 10 साल पहले, तो वो गला नहीं घोट देना कि जानबूझ के उसके कान में ठोक दो कि नहीं भैया तुम तो हिंदी कहानी की हीरोइन हो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वही जो निलोत्पल भी बोल रहे थे बात कि हम लोग जो जैसे है वैसी भाषा तो पिक करें और अपनी उसमें विजन डाल दें जो भी हमारा लाइफ को लेके। तो सर कहानी का सबसे पतवा आपको अगर अपने कथानक का प्रेगनेंस ही नहीं पता है ना, आप जो रच रहे हैं डाल रहे हैं ना उसकी खुशबू होती है, आपके पास बहुत खतरनाक ये किताब लिखेगा तो वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था कि एक किलो जो वो खुशबू जो है कि भाई खुशबू शमशान घाट की भी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि बेहद दृश्य भी अगर रच रहे हैं हम हत्या कर रहे हैं तो हत्यारे की जो खुशबू है उसका दुर्गा बोल लीजिए, लेकिन मैं बतौर लेखक उसको खुशबू ही कहूंगा क्योंकि मुझे वो हासिल करना है, मुझको बहुत शिद्दत से वो महसूस करना है, मुझे ही हत्या करनी है और मुझे ही मरना है, ये दो खुशबू एक साथ तैर रही है, अगर आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे तो ना वो संवाद निकल पाएगा। और इस संवाद को लिखते वक्त आप सोचिएगा भाई तो जाएगा हंस में, जिसका डायलॉग्स तो मरने वक्त तो होना चाहिए अत्याचार अत्याचार चक्कू मारने के बाद, ये नहीं हो सकता ना, हे निष्ठुर ये बोलेगा क्या मेरा पात्र, क्यों कह भाई हंस में छपना है तो चक्कू लगने के बाद निष्ठुर इतना स्त्राव करके मरेंगे हम, थोड़ा सा कम नहीं कर सकते थे, ये थोड़ी हो सकता गुरु, क्यों हम मेरे दिमाग में अगर ये रहे यार इसको हिंदी के मठाधीशों के मुकुट में राज मुकुट की तरह मेरी कहानी को लगाया जाएगा मनी की तरह, सोचो यार संवाद बदलो तो खत्म। मैं कह रहा हूं मैं संवाद कहां चलाता हूं उसी फ्रेगरेंस से, मैंने उसको मारा है अगर रावतपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्कू, तो वहां जो गुटखा बेचने वाला है वो देखते जिस तरह से चीखेगा वो फ्रेगरेंस मुझे पता होना चाहिए, मैंने उसको वहां मारा है चाकू, वहां जब मैंने उसको चाकू मारा है जो गिरेगा तो कैसे गिरेगा, वहां गिरने के बाद कैसे किस आदमी को पहले बुलाएगा, ये फ्रेगनेस मुझे पता होना चाहिए, खुशबू उस हत्या का वहां पर वो वातावरण पकड़ना महत्वपूर्ण है। लेकिन नई वाली हिंदी पर से जब बात करेंगे आप आगे भी कई गोष्ठी करेंगे, आप आगे भी कई बड़े राइटर को बुलाएंगे जो आपने साधारण लोगों को बुलाया, आप पूछिएगा कि आपसे बात करते वक्त अपनी रचना प्रक्रिया में उतर कर रचनाकार कैसे लिखता है उस पर क्या कोई राइटर बात करता है, हिंदी पर लंबी लंबी बात होती है, ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं अगर आप बैठे तो आप लिखेंगे तो ही आपके काम आएगी, हम लोग ऊपर प्रभात करके निकल जाते हैं, आप लोग हिंदी में अंग्रेजी के अंग्रेजी में हिंदी क्यों ये कर रहे हैं, कटहल क्यों बेच रहे हैं, आलू कटहल परवल क्यों नहीं मिला देते हैं, कद्दू मिल जाइए आ रहा है, ये करके क्या होगा। बात होना चाहिए रचनाशीलता पर, रचने की प्रक्रिया अपने समय में आप लोगों की कैसी है, कैसे रचते हैं, जब आप प्रक्रिया को समझ जाएंगे आप समझ जाएंगे यार ये स्वाभाविक है भाई ये आएगा ही आएगा, अगर इससे बचूंगा तो नकली लेखन है। एक और सवाल है इसी को लेकर के कि किरदारों का चुनाव जब हम करते हैं कुछ भी लिखते वक्त तो वो अपने तत्कालीन समाज को देखकर करते हैं, लेकिन कहानी की बुनावट हुई या फिर हमारे पात्र एक दूसरे के साथ कैसा संवाद करते हैं वो आपका व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य होता है, प्रेमचंद हुए भंडारी हुई इन सब में आपको यही देखने को मिलता है, तो जो हमारी नई वाली हिंदी है इसमें ये प्रक्रिया कुछ बदल गई है या फिर हम लोग बिकने का सोचते हैं ना बट जो आप बात फिर से सवाल छपा हुआ है उससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता, आप अगला पूछ लो सवाल कोई दिक्कत नहीं, देखिए कि मतलब जो हम कहानी का कंसेप्ट उठाते हैं आप नहीं नकारा कहीं होता है फिल्म में संवाद
बात देखिए कहाँ से निकल गया। हम कुछ भी कहानी की आधारशिला जो भी हम उठाते हैं तो वो हमारे समाज से निकल के आती है कि हम जो देख रहे हैं। अगर मैंने देखा कि एक लड़का आत्महत्या करने जा रहा है तो उसपे मैं एक कहानी लिख सकती हूँ, लेकिन हमारा पात्र, हमारा वो लड़का खुद से कैसे बात करेगा, अपने दोस्तों से कैसे बात करेगा, ये एक तरह से हमारी कंडीशनिंग है। मतलब जिस जगह पे हम जी रहे हैं, अगर अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की भाषा यूज करेंगे, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह की भाषा होती है हमारा पात्र उसी भाषा में बात करेगा। तो हमारी कहानी की बनावट इसी तरह होती है। लेकिन नई हिंदी में ये चीज बदल गई है या फिर नई हिंदी में ये जस्टिकस है? नहीं, ये किसी भी हिंदी में ये बदलना नहीं है, ये नहीं बदलेगा। अभिव्यक्ति है वो चाहे कथानक की हो चाहे उस कथानक में बुने गए पात्रों की हो, वो तो होनी है, वो स्वाभाविक है। उस पर कहीं कोई एफर्ट नहीं देना है। आप कुछ भी लिख रहे हैं उसमें कोई एफर्ट मत दीजिएगा, कतई नहीं सोचिएगा। आप जब कहानी बढ़ाती है ना, तो आप जब बढ़ाते हैं तो ये तो आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि आप कहानी को कहां ले जाना चाहती है। ठीक है, कहानी का एक डायमेंशन होता है, एक दिशा होता है, उस दिशा में वो कितना विचलित होगा, कितना इधर रहेगा, कितना उधर जाएगा, ये कहानी का प्रवाह तय करता है। ये आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको पता होता है कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है। एक बिंदु धुंधला सा होता है, वो भी स्पष्ट नहीं होता है, कई बार एंड बदल जाता है, कई बार नए पात्र आते हैं ना। अब हम तो लिखे थे, हम जो कहानी शुरू करते हैं तो दो चार पात्रों से कहानी शुरू करते हैं, अंत में जाकर 80 पात्र हो जाते हैं। वो जो 80 पात्र पहले दिन थोड़ी मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे ही नहीं। अगर कोई कहता है झूठा है वो, बहुत बड़ा लुक्कड़ है वो, आपको भ्रमा रहा है, नहीं हो सकता ऐसा। अगर चार पांच पात्रों से कहानी शुरू होती है, आप चार पांच मूल पात्र बुनती हैं, हो सकता है कि आपकी कहानी का प्रवाह ऐसा हो कि चारों पांचों पात्र आगे जाते गौर हो जाए और एक नया पात्र निकल आ जाए जो उस कहानी को आगे बढ़ा देगा, ऐसा भी संभव है। तो ये रचना प्रक्रिया, ये इसका नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संबंध नहीं है। लिखने का जो शिल्प है ना, वो रहता है, वो है। वो जो कहानी की कसौटी है, लेखन का जो कसौटी है, उपन्यास की जो कसौटियां हैं, पात्र रचने के जो मूल तत्व है, जो क्षिति जल पावक गगन समीरा जो आपको उस कलम से निकल रहा है ना, वो मूल तत्व वैसा ही रहता है। अब उस रचना प्रक्रिया को आप कैसे कैसे किस आकार में ले जाती हैं, वो हर लेखक का अपना मौलिक कौशल है। कहन ही तो नया होता है, वरना 5000 साल की सभ्यता में हमने क्या ऐसा था जो नहीं कह दिया है ना। तो कहन ही मौलिक होता है, तो वो कहन कैसे निभाया जाए वह आपका मौलिक कौशल है, उसको आप निभाती हैं। लेकिन वो जो बुनने की प्रक्रिया आप कह रही हैं, वो जैसे वो बुनते थे वैसे ही हम बुनेंगे। मेरा सिर्फ कमजोर हो सकता है अपने अपने अगुआ की अपेक्षा में, अपने पूर्वजों की अपेक्षा में, हो सकता है मेरी संवेदनाएं उतनी गहरी ना उतरे कि आपकी पलके भिंगो दे, हो सकता है। लेकिन वो प्रक्रिया वही है, उसी प्रक्रिया में आपको अपने समय की खोज करनी है। अपना मौलिक कौशल आप कितना बेहद गहरे ढंग से वहां दिखा सकती है, वो प्रक्रिया एक ही है, मुझे ऐसा लगता है। आपको जवाब मिला कि नहीं? बिल्कुल सही से बताइएगा। जो आखिरी सवाल आप, अच्छा घबराओ नहीं, मैं परेशान रह ही नहीं लूंगा। तो जो सवाल का आखिरी हिस्सा था ना, क्योंकि जो डायलॉग में आपने पूछा सवाल में कि वो आप कैसे, वो आपकी कंडीशनिंग है आप डाल दोगे उस पर, उसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि जब आप कोई कैरेक्टर बना रहे होते हो ना, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का पता रहता है ना कि वो चौराहे पर अगर गाड़ी कोई गलती से ऐसे मार के निकलेगा तो वो गाली हिंदी में देगा कि अंग्रेजी में देगा, आपको पता होता है ना। उसको आपको पता होता है कि यहाँ पे जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो कौन सी कंपनी उसकी फेवरेट है और कितने में 4 लाख का कोई ज्यादा पैकेज दे रहा होगा, तो ये छोड़ के अपनी आइडियोलॉजी भूल जाएगा, चला जाएगा। हमें अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सारी चीजें पता रहती हैं। वो कैरेक्टर आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह ही होता है, जिसके सपने तक आपको पता रहते हैं, तो उसका रिएक्शन आपको पता चल जाता है। अब मिला जवाब की नहीं आपको? अब वो बात है कि ये पात्र को जन्म कौन देता है, उसकी परवरिश कौन करेगा। परवरिश करते वक्त आपको पता होता है मेरा बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन परवरिश के बाद वह व्यक्ति क्या करेगा ये लेखक को पता नहीं होता है। मतलब जैसे भाव आपको नहीं पता होता कि आगे जाके पापा कैसे बड़ा नाम करेगा, वहां छोड़ देना चाहिए पात्र को। लेकिन पात्र का मनोविज्ञान पहले दिन से आपको पता होता है, जिसको बेस्ट फ्रेंड कर रहे हैं, आप ही परवरिश करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंस को पकड़ना, उसके हाव भाव को पकड़ना। अगर आपने एक पात्र पैदा किया, आपने दिखाया हट्टा कट्टा बिलैकी सिंह, और उसके बाद अगले को दिखा दिया और उधर से बिट्टू आया, बिट्टू ने बिला किसी की छाती पर चढ़ा उसको 4 वाइट मारा, आप ही भूल गए कि अटका कटा था, बिट्टू तो छोटा था, आप ही को याद नहीं रहा।
संवाद वहां से आ जाएंगे। बिट्टू कहेगा बिलाती सिंह मैंने तेरे से मच्छर बहुत मारे हैं। संवाद बिट्टू का आ गया कि बिट्टू का आपके दिमाग का पूरा पाक था, कहां भी इसका कोई लेना देना नहीं था, जबकि लेखक आप ही हैं। लेकिन यहाँ पर आप घुस गए, आपको लगा अभी बिट्टू मेरे साथ है, बिट्टू से पिटवाते भी जाएंगे। लेकिन नहीं पिटवा सकती ना, आपने बताया कि वो पहलवान है बिलाती सिंह। लेकिन हिंदी के लेखक ऐसा करते रहे, लेकिन करते हैं हिंदी के लेखक, उनको लगता है ये मेरा इससे जैसे लालटेन लेके आप जंगल में निकल जाओ, आप एक बार में एक ही कदम दिखता है आपको, और वो भी जब एक कदम आप चलोगे तब अगला कदम दिखेगा, और ऐसे ही एक एक कदम कर करके जंगल पार हो जाता है, और उसका कोई एक डेफिनेट रास्ता नहीं होता है। अभी लालटेन आपको दूसरे दिन दे दूं और एक अंधेरा जंगल हो तो आप अलग रास्ते पे निकलोगे, तो वो फ्री भी रहता है थोड़ा सा, कहानी में क्या रिएक्शन होगा क्या आएगा वो आपको नहीं पता था, और वो रास्ते में आप डिस्कवर करते हो। जैसे वैसे ही है ना, जैसे कहानियां जो कन्विक्शन का मसला होता है ना, कि आपको पता है कि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहां पे कील ठोकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन मेरे लिखने की वजह से यहाँ पे दीवार हो जाएगी, तो वो कन्विक्शन का मसला है सारे का सारा। संदेश या मैसेज रहता है जो जो आप कन्वे करना चाहते हो? तो हुआ क्या था, तो ये जो बात कर रहे हैं मैं बता दूं, एक गुनाहों का देवता नाम से एक किताब थी, सबको पता है गुनाहों का देवता के बारे में, किसी किसने पढ़ी है? तो गुनाहों का देवता अगर एक खास उम्र में पढ़ी जाए किताब, जैसे अगर 20 साल से पहले आपने पढ़ी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि रोना ना आए आपको। और गुनाहों का देवता पढ़ते हुए जैसे हम लोग बोलते थे कि गुनाहों का देवता अगर कोई पढ़ के उठेगा ना, तो एक स्टेट होती है पूर्वांचल में या बिहार में, और उधर उसको भकवाना बोलते हैं। भकवाने का मतलब केवल बहुत ये होता है कि जैसे अगर किसी को 10 झापड़ मार दो और बोल दो रोना नहीं है, तो जो हालत होती है चेहरे की उसको भकवाना बोलते हैं मोटा मोटा। तो गुनाहों का देवता पढ़ते हुए आप भकवा जाते हैं कि आपको हालत है। जैसे मैंने जब गुनाहों का देवता पढ़ी थी, तो मैं एक ट्रेन में कहीं पे जा रहा था, और वो पूरी तरफ चारों लोग घिरे हुए हैं जनरल डिब्बे में, और पढ़ी, अब रोने का मन है। और हिंदुस्तानी जो ट्रेन है, कम से कम तब भी और आज भी इतनी अच्छी खुशबू तो नहीं आती कि आप वहां के टॉयलेट में जाके 10 मिनट रो पाओ, है ना। तो अब आप वो बैंड बजी हुई आपकी कि क्या करो क्या करो क्या नहीं करो। और भारती जी की चूंकि किताब 1949 में आई थी, वो हिंदुस्तान में फैन फिक्शन नहीं लिखा जाता। जैसे शर्लक होम की किताब अगर आप अभी ब्राउज करो, अभी 4 साल पहले भी किसी ने लिखी होगी। कई सारे वहां के जो वेस्ट में ऐसे नॉवलिस्ट हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉपुलर हो गए, तो बाद में लोग उनकी कहानियां बढ़ाते रहते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दे गए। और मुझे ये था कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कुछ हिंदी की करने की, तो ये हम लोग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, कि जैसे अगर हम बच्चे हैं तो हमारे जो दादाजी लोग रहे हैं उनकी भी कोई इज्जत करे, या उनको दो लोग ही सही हमारी वजह से भी हमारे दादाजी को जाने। तो सारा अप्रोच ये था जो मुसाफिर कैफे में सुधा चंद्र और पम्मी के नाम यूज किए गए, कि इस तरीके से अगर धर्मवीर भारती जिंदा होते तो मैं उनका पैर छू लेता, एक तरीके से उनको गले लगा लेता कि सर आपने ये दिया इस दुनिया को। और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो धर्मवीर भारती जी की जो वाइफ है वो जिंदा है, धर्मवीर भारती जी तो है नहीं, पुष्पा भारती जी, और पुष्पा भारती जी बहुत टची हैं उनके चीजों को लेके। जैसे गुनाहों का देवता पे जब जब जो जो अटेम्प्ट हुए, चूंकि वो बच्चन साहब के बहुत क्लोज थे धर्मवीर भारती जी इलाहाबाद में, और वो पूरा उस पर एक फिल्म का अटेम्प्ट हुआ जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे और रेखा हीरोइन थी, और एक और कोई हीरोइन थी उसमें, वो फिल्म डब्बे में चली गई। उस पर एक सीरियल बना जो कि फ्लॉप था, तो गुनाहों का देवता पे। और जब मैंने ये नाम रख दिया, तो मैंने सोचा कि भाई कैरेक्टर के नाम है भारती जी तो है नहीं, तो पुष्पा जी से पूछ लो जाके, वहीं बॉम्बे में रहती हैं वो, कि मैं ये कैरेक्टर के नाम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। तो मेरे एक दोस्त ने एक बात बोली, और जो बहुत ही हम सारे लेखकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर मैं जाता पूछना तो मना ही करती, ये मुझे पता था, पहले तो मैं गया नहीं पूछने। लेकिन मेरे दोस्त ने एक बात बोली जिस वजह से मैं नहीं गया। उसने बोला कि जैसे आम आदमी जो होते हैं ना, हम लोग जो नौकरी करते हैं, कुछ प्रोफेसर हो जाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बच्चे को एक घर दो घर कुछ प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं कि चलो कल को हमारे पास ये लेगेसी है हमारी, जो ये आगे जाएगी प्रॉपर्टी के टर्म में, घर के टर्म में,
फैक्ट्री का टर्म है कुछ भी, वो अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाता है। जो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है वो दो चार लोगों के लिए ज्यादा कर लेता है, अपने फैमिली 15 लोगों के दायरे को बढ़ा लेता है। लेकिन एक राइटर ही होता है, वो लेगेसी जो अपनी वसीयत करता है वो इस पूरी दुनिया के नाम करके जाता है, उसको कोई भी बढ़ा सकता है। तो ये बात जब मैंने सोची तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो हो सकता है हम भी अच्छा खराब जो भी लिखेंगे, जिसका मूल्यांकन हम लोगों से अब से 10 साल बाद होगा, लेकिन एक चीज लेगेसी हम आगे बढ़ाए ना कि फैन फिक्शन लिखा जाए हिंदुस्तान में, वो भी एक था कि शायद जो औगड़ के पात्र हैं या फिर जैसे डार्क हाउस का जो पात्र है वो आईपीएस बनने के बाद क्या हुआ, वो उसमें जो फेल हुए थे गाजीपुर वाले दुबे जी थे ना, वो जो भी, तो एक जो दुबे जी राय साहब, हाँ तो राय साहब का क्या हुआ। तो कम से कम अगर ये किताब की सक्सेस है ना ये तो कि राय साहब जाके कि क्या किया, तो ये कोशिश थी कि ये इस डायरेक्शन में भी सोचे हम लोग कि थोड़ा उसको आगे बढ़ाए। तो यही था बस, मतलब आशीर्वाद देने के बराबर ही था। नहीं बदलने की तो जैसे वो हर जनरेशन जो आती है उसकी हमेशा पिछले जनरेशन से लड़ाई रहती है, वो बदलना ही चाहती है उसको, लेकिन ये अप्रोच था नहीं उसमें। मतलब मेरा तो बहुत वैसा था कि आज एक तो वो मुझे तो सब पता था ना कि सब फेल हुआ है, ये बहुत खतरे वाली चीज है, फिर भी मैंने वो नाम आगे बढ़ाया कि नहीं यार करके देखते हैं क्या होगा। ज्यादा लाइफ अगर करियर लंबा रहा, ठीक ठाक किताबें बिकती रही, तो 25 किताबें लिखेंगे, एक आध तो फ्लॉप होंगी ही होंगी। जैसे आप लोग भी कल को नौकरी में जाओगे, खुदा ना खास्ता रिसर्च में जाओगे, तो सरकारी बहुत लोग बैठे हैं क्या, अच्छा सोचते हैं लोग रिसर्च का नौकरी करनी पड़ती है ऐसा, तो खैर तो जाओगे तो अगर 35 साल लंबा करियर है तो कुछ साल कम काम करोगे अच्छी रेटिंग आ जाएगी, कुछ साल अच्छा काम करोगे खराब रेटिंग आ जाएगी। तो करियर इज अ लॉन्ग रूट, वैसे ही ये सब है अपना। कुछ अच्छे साल होंगे, कई बार आप कम पढ़ते हो नंबर अच्छे आ जाते हैं, कई बार बहुत पढ़ते हो लेकिन प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि सब होता है। इतनी देर से निलोत्पल जी शांत रहते हैं कि अपने आप में गलत है। ये सवाल से ज्यादा मैं एक जानकारी के तौर पे रखूंगा इसको कि आप दोनों समकालीन लेखक हैं, फिर भी ये फैक्ट है, सब समकालीन गाने सुन के बुढ़ा लगने लगे आपको ना, मौजूदा वक्त के दोनों आप हैं, तो दोनों आप दोनों के कहानियों में जो समाज होता है वो अलग अलग लिखा है, आपकी टारगेट ऑडियंस एक है, इनकी एक है, तो आपके नजरिए में कोई ऐसा एक बिंदु है जहाँ पे ये दोनों समाज कन्वर्ज करती है और कुछ वहां से निकलता है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बात फिर घूम फिर के वही आ रही है। मैं कह रहा था आपने चयन जिस विषय का किया, आप जो कथानक बुन रहे हैं उससे ही जुड़ा हुआ, उससे जुड़ी चीज आएंगी ना। तो मतलब दीप प्रकाश दुबे और नीलोत्पल मृणाल के कहानियों का युवा अलग अलग तरीके से नहीं सोच रहा होगा, जैसे इनकी कहानी का युवा थोड़ी सोच रहा होगा कि अगर वो गाजीपुर का पात्र है तो वो कतई नहीं सोचेगा कि जो है कि मुझे कैलिफोर्निया में यार जॉब करने जाना है, और मेरा वाला युवा गाजीपुर में खड़ा सोचेगा मैं यूपीएससी करने जाऊंगा। अगर वो परिवेश एक जैसा है तो या तो मुझे या डीपी को, दोनों को ये जिद नहीं है कि हम लोग अलग अलग समाज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जिस समाज से पात्र उठा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, ये बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अलग अलग दुनिया दिखा रहे हैं, अलग अलग मतलब हाँ तो वो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी कहानियों के किरदार कैसे, हमारी कहानी क्या है, अगर आप यूं कहिए कि हम, हो सकता है कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दो व्यक्ति निकला एक जगह से, ठीक है ना, एक जगह से निकला, एक जैसी परवरिश से, एक जैसा समाज है, लेकिन उसका निर्णय अलग अलग हो सकता है ना, उसका डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकता है ना, उसकी सोच अलग अलग हो सकती है ना, बस हो सकता है कि दोनों लेखक में वो अंतर आ जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि मेरा जो पात्र है वो 22वीं दशक का हो, इनका पात्र 19वीं दशक का, ये मैं नहीं हो सकता, लेकिन निर्णय दोनों का जीवन निर्णय अलग हो सकता है। दूसरी बात की दृष्टि का अंतर तो हो सकता है और ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर साहित्य अलग अलग लोगों द्वारा क्यों लिखा जा रहा है,
फिर तो एक स्कूल ऑफ थॉट चलेगा, उसी में चलते चलिए, वही पे मैंने बोला झोला परंपरा, हुडिंग परंपरा, मठ परंपरा, है ना। अगर मैं और डीपी एक जैसा हम लोग दोनों सोचेंगे, इन्होंने अगर ये जो इनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि एक हो जाए, तो फिर अलग अलग लेखक क्यों। तब तो हम बोलेंगे डीपी भाई आपकी संभालिए, अब तो थक गए लिखते लिखते, आप जरा पढ़ाइए इसको। फिर ही बोलेंगे अभी अब हम पकड़े में इतना दो तो आप फिर देखिए। तो ये तो दृष्टि अलग तो होनी चाहिए, और हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है। आदमी दार्शनिक बड़ा नहीं होता है, दृष्टा बड़ा होता है। इसलिए पश्चिम ने दार्शनिक बहुत दिए, लेकिन हमें घर में एकदम दृष्टि वाले बहुत दिए। हम लोग पास तो अभी भी ऐसा ऐसा दृष्टि वाला है हमारे वक्त में ला, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि दृष्टिकोण अलग अलग होना चाहिए। यही वैरायटी आपके साहित्य को समृद्ध करता है। आप समकालीन साहित्यकारों की जब बात करें तो समलेखन की बात ना करें, आप समझ रहे हैं जो आप लोगों की ये है कि आप ये पात्र जैसे समलेखन की बात ना करें। समकाल का अर्थ है कि एक ही काल में दो अलग अलग लेखक दो चीजों को या एक ही चीजों को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे कि नहीं। सिक्का जब हमने उछाला तो हमने दोनों पहलू दिखाया कि नहीं। हो सकता है कि भाई अलग दिखा रहे हैं, मैं अलग दिखा रहा हूं। तो ये विचारों का वैविध्य यही तो साहित्य को समृद्ध करेगा ना। तो ये वैविध्य तो होना ही चाहिए। तो समकाल का अर्थ समलेखन नहीं है, मुझे लगता है कि मुकम्मल रहा। दिखता है कि एक अच्छी रचना आने के बाद समलेखन करके उसपे आप तो 10 बार में मतलब तरह तरह के मतलब वो रेजोनेट कर रहा है उसी किताब को, उसके बाद सेम टोन पे बाकी किताबें आ रही है और जो उसकी उसको बहुत आसान है ना समझना। एक कंपनी आती है बहुत लोगों को लेके जाती है ना, तो वो होता है नहीं दुखद नहीं है एक्चुअली वो। मुझे ये सब कभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस बात के लिए दुखी क्यों है कि कोई क्या लिख रहा है। अरे भाई छाड़ दीजिए ना, आपको बाजार में ढेर सामान टेलीकॉटन का कपड़ा रखा हुआ है, रेशम रखा हुआ है, आप जब दुकानदार को दूध लपड़ देते हैं कैसे पैसे भरे आते भाई। समस्या ये है कि उस अच्छी रचनाओं के साथ में एक पटल पे उसको भी रख दिया जा रहा है, रख दिया जा रहा है कि तो मूल्यांकन की कसौटियों का दोष है ना, या उस मठ का दोष है ना। ये हकीकत हम देख पा रहे हैं। देखिए इतना शॉर्टकट क्यों और इतनी 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 हड़बड़ाहट क्यों या इतना अधीरता ही क्यों। रख दिया जाता रख दिया जाता है, वो कल पानी में भीगेगा तो गल जाएगा। आज अगर हम नकली सोना रख दें असली सोने के बगल में तो भैया वो तो पानी बताश में तो फिर काला हो जाएगा ना एक दिन। इतना हड़बड़ी क्यों है, नहीं नकली है नकली है भाई पकड़िए पकड़िए नकली है, हमने बोलो में क्यों बैठा है, बैठने दो ना 10 दिन बाद काला हो जाएगा क्यों। मेरा यही कहना है कि हमारी पीढ़ी लिखने पर फोकस क्यों नहीं। यही मैं पहले शब्द जो मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया था कि मूल्यांकन की हड़बड़ी। आपको कितना अभी मान लीजिए खींच है, अच्छी रचनाओं बगल में कादर खान को क्यों रखा, गुलशन ग्रोवर को क्यों रखा गया बैट में, ऐसा क्यों रखा गया है ना, खान के साथ क्यों रख दिया गया, ऐसा नहीं है, रखने दीजिए। ये तो 30 साल पहले का ये सब वो है औदात और गुमान है कि मेरे बगल में क्यों। अभी मैं रायपुर के साहित्य उत्सव में था, वहां पर समकालीन लेखक पर चर्चा हुई थी और वहां पर मुझे बुलाया गया था, बाकी जो थे पुराने लेखक थे पके हुए लेखक थे, सब खटपटा हुआ चावल एकदम बहुत मीठा। तो उन्होंने पहला लाइन क्या कहा कि आप मेरे साथ बैठे हो यही बहुत बड़ी बात है। तो हम कहते हैं उठा के पटक देंगे आपको। उन्होंने कहा ये तो साहित्य नहीं है, मेरी वो साहित्य था। आप सोचिए मूल्यांकन क्या हो रहा है, वो मेरा समकाल का मूल्यांकन कैसे किए, मेरे साथ बैठे हो ये बहुत बड़ी बात है। हमने कहा सर आपने हमें पढ़ा है, कहा मैं क्या पढ़ूंगा नए लोगों। मैंने कहा सर हाथ उठवाए इस पंडाल में, हम लोग को पढ़ा है उठाया। मैंने कहा आपकी उम्र का पाठक है कि नहीं हमारा देख लीजिए। सवाल ये है तो वो जिस तरह के आक्रोश में है या जिस तरह के अहम में है, वही बात अगर हमें आ जाएगी कि हम अपने समकाल में या फेसबुक पर लिखने वालों को या जो कोशिश कर रहा है लिखने का, अगर उससे हम ये बात कहने लगेंगे ये घटिया लिखता है, इसको हमारे साथ अभी नहीं बैठने दो, इसको इस तरह में नहीं लाया, ठीक है आने दीजिए, जो खराब चीजें हैं वो रह जाएंगी पीछे, इसमें वजन होगा बढ़ जाएंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये हमारी पीढ़ी में अभी से आ जाएगा कि यार ये मेरे साथ मन साझा करने लगे इसकी रचनाओं में वो दम नहीं है, नहीं नहीं आप बताइए, लाख किताबें बिकने के पीछे भी तो यही गणित काम कर रहा था, अंत में जो पसंद आई वो बिकी ना 1 लाख, वो बिकी ना 1.5 लाख, ऐसा हुआ क्या कि नारा लगा के बेच दिया।
एक बार संतरा चक्कर देखिए नहीं समझ में आया घुमा दीजिए ऐसा करके किताब बेचा गया क्या? नहीं बेचा गया ना, लेकिन फिर भी कहा था मार्केटिंग है मार्केटिंग है। नहीं हिंदी वाले मार्केटिंग करते हैं, क्या मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पर एक फोटो लगा देते हैं, इससे ज्यादा हिंदी का मार्केटिंग का अभी तक औकात नहीं आया। और वो बात आप अपने विवाह का लगा रहे हैं, हम तो किताब का लगा रहे हैं। भाई आप वही काम कर रहे हैं, आप केरल गए थे भाई विवाह के बाद, आपने वो लगाया रिसोर्ट पे आप वो लगा रहे हैं, हमने किताब का लगा दिया कि भाई संजय जी का आभार उन्होंने पढ़ के टिप्पणी दिया, ये मार्केटिंग है। अरे मार्केटिंग तो नवरत्न तेल कर रहा है जो अमिताभ अपने कपार में लगा के घूम रहा है, मार्केटिंग उसको बोलते हैं। नहीं हिंदी मार्केटिंग कर रहा है, फेसबुक पर फोटो लगा दिया लेखक ने। मार्केटिंग तो तब होता है जब सलमान खान आता बिग बॉस में हमारी किताब लेके, इसको पढ़ो बिल्कुल नहीं समझ में आया तो वापस करने का, क्या पढ़ो मसाला चाय मार्केटिंग उसको कहते हैं। हिंदी के मामले में इतना दरिद्री वाला फॉर्मूला है ये मार्केटिंग है, फेसबुक पर फोटो लगाना ये मार्केटिंग है। अगर तीन चार लोगों ने यहाँ पर भी अमेजोन से हम लोग की किताब खरीद ली मार्केटिंग है, या आईआईटी गए थे आप जाते ग्रुप मार्केटिंग किया चार किताबें बिकी हमारी, क्या मार्केटिंग है, 40 रुपया होगा चार किताब बिकेगा 40 रुपया, इसको आप मार्केटिंग बोलते हैं है? इतना तो आप कानपुर से लखनऊ भीख मांग लीजिए 400 रुपया हो जाएगा। इसको मार्केटिंग बोल रहा है हिंदी में सब, ये नहीं है मार्केटिंग। यही सब बोल के हिंदी को हतोत्साहित किया जा रहा है। नए बच्चे जो लिखना चाह रहे हैं जो हिम्मत करते हैं वो टूट जाते हैं, उनको तुरंत प्रेमचंद बनाया जा रहा है, तुरंत रेणु, उनको लगता है हम तो नहीं हो सकेंगे, हमारा नाम तो मनोज कुमार। वो बेचारा थक हार जाता है, वो लिखना नहीं चाहता है, डर जाता है। ये सब बात नहीं भी होना चाहिए कि खराब भी आ रहे हैं कि मंच पे आएंगे चले जाएंगे भीतर उतर जाएंगे खेला खेली होने दीजिए, हटो 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 होगा धीरे धीरे। ये बात है अभी हम लोग सबसे मुक्त रहना सबके लिखे का पार्ट बनावट तो जो है ना गलत फहमी जो बैठा हुआ है मन में उसको हटा दे। हम नहीं कह रहे हैं हम छाटने बैठ जाएंगे मॉनिटर बन के क्लास मॉनिटर बन के तो दिक्कत हो जाएगी, उससे रचनात्मकता बाधित हो ऊर्जा भी जाए। और वो पाठक वर्ग के पाठक वर्ग को काहे भूखे सिस्टम लगा हुआ है क्या? कुछ मदद कर पाए तो सही है, पाठक को किस बात का मदद, किस बात का कि वो इनको छांट के किताब दीजिए भाई इनका पैसा ना गड़बड़ा जाए, इस तरह से पाठक। ये हिंदी का दशा है, आपने कभी सुना है अंग्रेजी की बात में? ये बात आपने चेतन भगत को आईआईटी में बुला के ये बात बुलवाइएगा उससे कि आपकी किताबों को खरीदने के बाद मेरा पैसा बर्बाद हो जा रहा है, आप थोड़ा पाठक को रिलैक्स करके आप थोड़ा सा बता क्यों नहीं देते हैं दुनिया से बुलवा के नहीं वाला किताब पढ़ना चाहिए। ये हिंदी के पाठक सब दिक्कत है, जहाँ पर 1000 किताबों को लाइब्रेरी में रखने की परंपरा है वहाँ आज का युवा 10 किताब में पका जाए खराब पड़ गई थी यार गंगा ना आएंगे। पाठक को इतना आराम चाहिए कि उसको 30 किताब भी पढ़ने का फुर्सत नहीं है, लेकिन उसको चाहिए अपने युग का प्रेमचंद शॉर्टकट में तुरंत बना हुआ स्टैंड मसाला चाय गिरना है ना। ये पाठक अगर हिंदी से ऐसा लेखक चाहता है तो लेखक नहीं चाहता है, वो अपना एक मनोरंजक व्यक्ति चाहता है जिसको आदेश दे रहा है मेरे मनोरंजन के लिए इतना लिखो इतना मीटर में नाप के लिखो इतना मजा आना चाहिए। लेकिन मुझे जो समस्या है ना, जैसे जो लोग ऐसे बुराई करते हो नीचे उसमें कोई ऐसा होगा कोई कमेंट डालता है कि दीदी आपने मेरे 100 रुपए बचा लिए। और वहाँ दीदी मुनव्वर राणा का एक शेर लगाती हैं तो कहते हैं दीदी मैं भावुक हो गया हूँ और अपने ऑफिस में बैठा हूँ और बाथरूम में जाकर रो रहा हूँ। तो क्लासिक के बारे में बोलते हैं कि बात ज्यादा पहुंचती है और लुगदी के बारे में बोलते हैं कि बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और फिर हमारी नई हिंदी का साहित्य है जो इन दोनों के बीच में कहीं है जिसमें बात ज्यादा भी पहुंच जाती है और ज्यादा लोगों तक भी पहुंच जाती है। तो
तो हमारा सवाल है वो ये कि जो आने वाला वक्त है आज से 10 साल या 15 साल पे आप किस तरफ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और किस तरफ अपने साथ के आपके जो छोटे लोग लिख रहे हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए लुब्धि साहित्य और गंभीर साहित्य का अंतर कैसे तय होता है? जो हमारे स्टेशनों पर बिकने वाला साहित्य मतलब बस कहानियां मिल जाए जिसको एक बार पढ़ के और छोड़ा जा सके, ऐसा नहीं है कि वहीं पर ऐसे कैसे लोग इंटरनेट पर क्या क्या लिख के आपके स्टेशन पर तो वही प्रेजेंटेशन भी आएगी बिल्कुल नहीं कि नहीं, और ऐसे तो कई लोग हैं जो गोदान चार पेज पढ़ के छोड़ दिए, दो पेज अभी खुदरा गोदारी का पढ़ें नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक जो 30 साल से 40 साल से जो आपके दिमाग में बैठाया गया है, जो दिल्ली में बैठ के कृत्रिम लेखन हो रहा था, जो बाय प्रोडक्ट लेखन हो रहा था, एक आईएएस लिख रहा था, एक बड़ा प्रोफेसर लिख रहा था, एक बड़ा वकील लिख रहा था, जिनके लिए आजीविका का कोई संकट नहीं था, उनको एक उनको बस दिल्ली में बैठ के ठेकुआ खा लिया है, झट पढ़ लीजिए काम स्मृतियों में गाँव, उनको लगा गाँव वही है, और जैसे देख लिए वो खून हत्या देख लिए इतना भी भक्त रस डाल दिया, ठेकुआ को उतना खून कर दिया, खत्म हो गया सूरज सूख गई नदियां दोनों उसका स्ट्रीम, वो जो एक्सट्रीम को चला जाता है वहां पर वो है, वो नकली लेखन वहां पर हो रहा है। 30 साल में इन्होंने क्या किया आपको बताया कि हमारे अलावा जो लिखा जा रहा है लुब्धि है, देखिए लुब्धि साहित्य और क्लासिक का सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्लासिक पहले तो कुछ होता है ये केवल उम्र से होता है, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, क्लासिक के चक्कर में ना पड़िए, मैं लुब्धि पर बात करता हूँ कि विचार जिसमें ना हो, घटनाएं हैं और वो मनोरंजन करके निकल जाए, जिससे हम लोग को बहुत कमेंट आते हैं सर मजा आया और सर अगर ये हो जाता तो और मजा आता। अभी एक आदमी ने मुझे मैसेज किया है सर राय साहब अगर आईपीएस हो जाता तो मजा आता, उसको ही पता नहीं कि राय साहब जिस तरह से पढ़ता हुआ डार्क फोर्स में आ रहा है उसकी जिंदगी ऐसी है तो आईएएस हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसको मजा देंगे उसको मैंने उसको मजा देने के लिए अगर अपने पात्रों को कलेक्टर बना दिया होता तो वही साहित्य लुब्धि है। तो साहित्य और लुब्धि का अंतर यह है कि साहित्य में विचार होता है, विचार जो आपको स्थिर करता है, जो आपको चिंतन पर मजबूर करता है, जो दो पंक्तियों के बाद आपको रोक देता है, जो पाठक जो पढ़ने पाठन और पठनीयता के बीच का जो विराम होता है वही साहित्य है, जो चिंतन की देहरी पर आपको बिठा देता है वही है साहित्य, तो जो पठनीयता और पठन के बीच का जो विराम है ना उसी को साहित्य कहते हैं, वो विराम कहा जाता है विचार से, अगर लेखन में वो विचार है, अगर 400-600 पेज की किताब में दो विचार भी है तो महत्वपूर्ण साहित्य, महत्वपूर्ण साहित्य लुब्धि साहित्य है जिसमें घटनाओं की जटिलता है, घटनाओं का क्रम है, नाटकीयता की तरह घटनाएं हो रही है, वो रोमांच दे रहा है, मजा दे रहा है, आनंद आ रहा है, किताब खत्म करने के बाद ताली बजा रहे हैं, मजा आ गया यार चलो ठंडा पीते, ये जो है वो हो सकता है लुब्धि साहित्य, लेकिन साहित्य अगर आपको 200 पेज की किताब में एक विचार भी मिला बहुत जिसको आपने कोट किया जिस पर आप रुके थे तो आप समझ लीजिएगा आप साहित्य पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी को इतनी जल्दी खारिज मत कीजिए, उसको इसलिए मत खारिज कर दीजिए कि वो ज्यादा बिक रहा है कि कम बिक रहा है, उसको कितने बड़े लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर उसने 200 पेज खर्च करके एक विचार ऐसा दे दिया जिस पर आप रुके जिस पर 2 मिनट आप ठहरे तो आप समझिएगा आपने साहित्य पढ़ा है, तो ये बात है, तो ये लुब्धि से इस तरह से अलग है, तो इतनी आसानी से जो सरलीकरण कर दिया गया है कि जो नए लिख रहे हैं लुब्धि लिख रहे हैं वो जो बैठे हुए अनुभवी लोग हैं ना उनका बड़ा कच्चा अनुभव है, वो बालू का गीत है, उसको एक दिन यही सब पाठक मारेगा ऐसे और झूला उड़ा देगा सब मार है ना, तो हम विचार देखते हैं साहित्य उसी से ये मूल्यांकन करते हैं, यह साहित्य लुब्धि में नहीं है, लुब्धि में बैंक डके 64 लाख डके इसके टाइटल में कोई विचार नहीं है, आपको पता है 64 लाख डके कैसे आएगा कि मनो जैसे आया उसने बुलेट को ऐसे घुमाया पीछे दीवार पर गया वहां पर देखा उसने 6 कारतूस पहले से दे रहे थे, अचानक उसको अपने दांतों में कुछ गड़ने की महसूस हुआ उसने कहा 2 कारतूस को अपने दांत में दबाया दांत में कारतूस दबाया हुआ आपको केवल मजा आया आपको पता है क्या चल रहा है आपको मजा आया तो हैरी पॉटर
उसको आप उस 20-30 साल के बनाए गए गलत धारणा से मत देखिए नई पीढ़ी को जो बना के हम लोग को दे दिया गया ये लुगदी और ये उससे अलग रखते हैं। सवाल में कुछ बचा नहीं है, अब इन्होंने बस सुरेंद्र मोहन पाठक का नाम नहीं लिया, बाकी सब कुछ बोल ही दिया था। लुगदी पहले जो टेक्निकली उसमें एक वैसी इंफॉर्मेशन है जो जिस तरीके के कागज पे छपती थी उसको लुगदी और सस्ता कागज आता था तो उसलिए भी बोलते थे। बट अब वो ना जैसे अमेरिका में जो है ना वैसा कोई कैटेगरी नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत लिखा जाता है, यहाँ पे ऐसा है। और यहाँ पे ना सारा जैसे अब जो पिछले एक घंटे से बैठा होगा उसमें समझ रहा होगा, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कुछ लोग दिल्ली में ऐसे बैठे हैं जो हम लोगों को रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है भी और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं भी है। तो ऐसा इस जवाब में इसमें कुछ बचा नहीं है कि बहुत कि डीयू में नीलोत्पल और प्रकाश दुबे को पिछले बार बुलाया गया था, इस बार डीयू के कॉलेज में मेरे कॉलेज में तो वो प्रोफेसर कह रहा है बेचारा तो उसके कॉलेज में नहीं बुलाया गया, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी साहित्य का ना स्वाद बदल गया। देखिए वो अपने 30 लड़कों से हिंदी साहित्य का इतिहास बदल दिया, और वो इसलिए बदल दिया कि 50,000 हमने मांग लिया है, बदल इसलिए क्या ना लेकिन हमने कहा यार डीयू के कॉलेज में जाएंगे बोलने 2 घंटा खून जलाएंगे तो 50,000 रुपया लेंगे आप जो बैठे जितनी देर से एक भी मतलब छात्र और छात्रा यहाँ से नहीं उठ के गई है, हिंदी का विमर्श क्या हो रहा था? और डीयू के किरोड़ी मल कॉलेज में या जाकिर हुसैन कॉलेज में वहाँ जो जहाँ टीचर्स बैठे हुए चाय जो 2 बार करके जो फीका बना देता है, चाय पर ही चर्चा हो रही होगी, उनको लग रहा है हिंदी साहित्य वहाँ चल रहा है, उनको पता नहीं हिंदी साहित्य यहाँ भी है। ये इसलिए मैंने कहा पहले जब आया तो मैंने कहा आप जो बैठे हैं आपको नहीं पता आप कितने महत्वपूर्ण लोग हैं, आप ये तय करवा रहे हैं इस देश में कि हिंदी साहित्य कहाँ जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं ये बात जब बताऊंगा उनको तो मैं तो आईआईटी में बैठा हुआ हिंदी पर बात कर रहा हूँ, आपको ऐसे पानी पी के आप साहित्य लिखोगे और खाना क्या पी लिया तो आप जितनी सहजता सरलता से हम लोग जो बात कर रहे हैं यही हिंदी का भविष्य है। ये बात ये पंचर्चा ये समय वहां दर्ज नहीं हो रहा है जिनको भी हिंदी का फ्रेंचाइजी मिला हुआ है, तो जिनको जो ग्राहक सेवा केंद्र जो है जहाँ प्रमाण पत्र बन रहा है उनको ये पता नहीं, वो चाहते भी नहीं इन सब बातों को लाना पड़ा, इसलिए हम लोग का भी ज्यादा रुझान है कि हम लोग ऐसे जगह पर जाए 20-30-40 लोगों से हम लोग कारवा बढ़ाए हैं लाख किताबों तक, आप लोग उस कारवा का हिस्सा है जिसलिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण, आप में से जो 20 लोग ही बताएंगे कि हिंदी साहित्य पर हम लोग ने 2 लेखकों से बात की जब आप बताएंगे सोशल मीडिया पर तब उनको पता चलेगा कि नैरेटिव तो हिंदी साहित्य से चल रहा है, ये महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत सुखद है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं कि नए लोग कैसे लिख रहे हैं, नए लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, आप बताइए आईटी में इस तरह का कुर्ता और सफेद के हिंदी वाला लग रहा है एकदम बढ़िया तैयारी के साथ बढ़िया प्रश्नों को तैयार करके आप जानते हैं आप लोग अप्रोच बढ़िया है, आप साइंस के विद्यार्थी है ना, हम लोग लहरा आर्ट्स वाले थे, हम लोग का अप्रोच ही एकदम आम चुराएंगे बगीचा ढेला मारने हम लोग घर से कॉलेज निकलते थे प्रधान को गाली देते हो मुखिया चुनाव धमकी देते हो आराम पंचायत चुनाव गुरु याद है नहीं, आपका अप्रोच है आप इतना मेहनत करके प्रश्न तैयार किए, मैं अगर जाऊँ अभी जैसे साहित्य गोष्ठी में वहां पर तुच्छों की तरफ प्रश्न पूछा जाता है बड़े बड़े लोग, मैं एक गोष्ठी में गया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ अब आप लोगों से अपना बता रहा हूँ, मैं पोस्ट टू तेरा पर बोलने के लिए बुलाया गया था और हिंदी के साहित्य अकेडमी विजेता 3-4 लेखक थे, किसी को ये भी नहीं पता था पोस्ट टू तेरा होता क्या है, अब वो लड़के इतने बदमाश उन्होंने लास्ट में मुझे बोलने के लिए रख लिया था
और सुनने वाले सुन रहे हैं, प्रश्न वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, यही सब लिखा हुआ है, तो वो पूछ रहा उस पर बात चल रही है और वो नहीं बोल रहे हैं उस पर। तो आप जिस आप देखिए, मैं अगर आपको आईटीआई बोल के, साइंस बोल के, टेक्निको बोल के मैं आपको अगर हतोत्साहित कर दूं, मैं कैसे बताऊंगा हिंदी वालों को कि आप इतनी तसल्ली के साथ, इतना ध्यान से, इतना अच्छे अप्रोच के साथ, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि मुझे 5000 लोगों के बीच में पूछना है या 50 लोगों के बीच में पूछना है, फिर भी आपने प्रॉपर तैयारी की है, किसी अप्रोच से पढ़ना है किसी भी भाषा को, मतलब हिंदी में इस अप्रोच की कीमत है। ये अप्रोच हिंदी साहित्य में बहुत कम है। इतनी तारीफ के बाद कोई सवाल ही नहीं बचा होगा। लोग ऑडियंस से भी ले सकते हैं सवाल, ये बात हो गई है। ये एक सवाल है। बजने दो भाई, बेहतरीन चल रहा है, वहाँ तो अभी शुरुआत हुआ, खराब है तो ये ज़्यादा बेटर है, ये तो मैं नेट पे भी सुन लिया है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों से फॉलो करके लिख रहे हैं, लेकिन शायद उतना ओरिजिनलिटी, मतलब जो शुरू करते हैं उसमें कोई बात नहीं है, बात है कि उनकी कसौटियों पर अगर आप खड़े नहीं उतरे, उनकी अपनी बनाई हुई कसौटियां हैं। मैं हजार बार कहता हूँ कि किसी भी लेखक का लेखन का मूल्यांकन उसके पढ़े जाने पे होना है। अब मैं सड़क पे आंदोलन करता हूँ और उसके बदले में जो मैं भाषण देता हूँ सड़क पे, मकान मालिक अगर मुखर्जी नगर में मारता है किसी विद्यार्थी को, मैं सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ता हूँ। अब बदले में कोई ये कह रहे निलोत्पल भाई मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, तो लोगों को लगता है कि ये मकान मालिक 5000 आदमी किताब बेचने के लिए बिका लिया हो। ये बड़े लोग करते हैं, अरे इसका तो इसलिए बिक जाता है ना, तो रोज लड़ू बीच में जाता है, दर्जा लोग बीच में जाता है, तो आंदोलन करता है, 5-6 राजनीति आदमी है बिक जाता है। ये डीपी भाई एक लेखक बैठा हुआ भगवंत इतने राजनीति करने जाए नहीं जाने कैसे। बात ये है कि हाँ, वो उनकी मूल्यांकन के अपने औजार, अपनी कसौटियां हैं, उस पर वो कसते हैं। भाई जिसने ईसा को चढ़ाया सूली पर, वो उसका सूली था, ईसा के वसूल पर वो सूली थोड़ी चढ़ाना, चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया, तो वो उनका है, वो सूली पर चढ़ाए ईसा को, इससे क्या लेना देना है हम लोग को। हमारा ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको, आप भी तो बुद्धिजीवी हैं, आप पाठक बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, आप पाठक गौण हो चुका है, और हम लोग इसलिए दुश्मन है लोगों के, हम पाठक की ओर से आए हैं, हम उनकी ओर से पाठक के बीच में आए नहीं थे। हमारे बारे में कभी कोई बड़ा साहित्यकार नहीं लिखेगा, एक छुपे हुए लेखक को पढ़ा, डेढ़ किताबें इसकी छपी हैं, आधी भूल लग गई थी, आधी मैंने बचा लिया, आधा दीपक चाट रहा था, मुंह से खींचा है, इसे पढ़ना चाहिए। हमारे बारे में किसी ने ऐसा नहीं लिखा ना, तो हमारे बारे में किसने लिखा, आप जैसे युवा ने पढ़ा और पढ़ के लगा कि ये है ये है ये है, आप भी पढ़े, टैग कर दिया आपने 49 आदमी को, आपने टैग किया 48 लोगों ने हमें पढ़ा, उनको गुस्सा आता है कि जो हंस में छपा था, जो गिद्ध में छपा था, जिसको मैंने कबूल में छापा था, वो तो पढ़ा नहीं गया, और ये जिसको आपने लिख दिया था 49 टैग कर दिया था, उसने तो यार 46 ने किताब कर दी, उनको गुस्सा, इसलिए वो ऐसा मूल्यांकन कर रहे हैं। उनसे चुनौती उनको दीजिए, आप देंगे कि मैंने जो किताब पढ़ी है उसको मैंने ऐसे समझा, आप मुझे बताओ कि मैंने क्या सब गलत समझा। आपने सवाल सुनने के नाम जवाब दे दीजिए, जो ऐसे आलोचक हम का बुला लीजिए तो एक आध हम लोग सामने ही थोड़ा बातचीत करने के लिए। मैं
बिका नहीं बिका, आप बिक रहे हैं तो आप क्या बिकना क्या कसौटी है, नहीं बिकना भी तो कसौटी थोड़ी अच्छा लेकर तो सीधी बात है, आओ भाई बैटिंग करो पीछ पे, आप वहां पर उधर से पाठक फेंक रहा है, देखो खेलेगा कि नहीं बता देगा तुमको, है ना, उस पर बात नहीं है। बहुत दिक्कत है हिंदी साइड में, यही सब गप होते रहता है। अभी देखिए बेस्ट सेलर लिस्ट आती है, हम लोग बेस्ट सेलर लिस्ट में रहते हैं, अब 15-17 दिन श्राद्ध क्रम यही सब चलेगा, तेरह भोज भात ही चलेगा, हे भगवान हिंदी साइड खत्म हो गया, पढ़ा बेस्ट सेलर की लिस्ट, निराश हूँ, खत्म हो गई हिंदी, आशा नहीं रही, कहाँ जा रही हिंदी, पकड़ ले बचा हिंदी, ये बात है, पढ़ो यार, पढ़ के छाटो खारिज करो। आपको लगता है कि राजनीतिक वाइज उसी को बोला जाना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी से होता है, यही हमारे पीढ़ी की एक की बहुत बड़ी समस्या है कि हर राजनीतिक बात को राजनीतिक झंडे से बोलो, नहीं तो तुम पॉलिटिकल नहीं हो। आपका कहना है कि आप किसी मुद्दे पर खुल के एक पक्ष में क्यों नहीं होते, एकदम देखिए क्लियर प्रश्न यही है, दिल की बात आपकी मैं कह रहा हूँ। आप एनआरसी पर या तो विपक्ष में बोलो या पक्ष में बोलो, आपका ये कहना है। आपका कहना है हैदराबाद एनकाउंटर पर या तो पक्ष में बोलो या विपक्ष में बोलो, आपका कहना है। आपका कहना है कि शाहीन बाग पर या तो एक पक्ष में बोलो या विपक्ष में बोलो, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तार्किक बोलो, मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर साहित्यकार हो तो तुम चिंतन करो, क्योंकि किसी भी घटना का हाँ या ना नहीं होता है, यूपीएससी का प्रश्न पत्र नहीं है कि गोला ए में लगेगा या बी में लगेगा, हमारी पीढ़ी के साथ चिंतन करने का ये छीन लिया गया। आपके पास विचारधारा होनी चाहिए ना, बहुत पार्टी नहीं होनी चाहिए, आप या मार्क्सवादी हो जाओगे इसका अर्थ थोड़े है कि एनआरसी पर वही बोलोगे हर मार्क्सवादी बोलेगा, या आप दक्षिण पंथी हो तो ऐसा मतलब जरूरी थोड़े जो बीजेपी बोलेगा वही बोलेंगे। आपने कहा इंडिपेंडेंट वॉइस, इसी इंडिपेंडेंट वॉइस की जरूरत है कि हम जो किसी विषय पर बोलेंगे तो हम अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के धरातल पर खड़े होकर बोलेंगे, फेसबुक की उस बाइनरी में नहीं बोलेंगे जहां केवल हर आना पर बातचीत हो रहा है, यही है इंडिपेंडेंट वॉइस। इंडिपेंडेंट वॉइस यही है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे गरीबों की हक की बात करनी है तो मुझे नहीं दरकार है दास कैपिटल पढ़ने की, मैं बिना दास कैपिटल पढ़े भी रिक्शा वाले की लड़ाई लड़ सकता हूँ, यही है इंडिपेंडेंट वॉइस। इसलिए मैं राइटर हूँ, मैं एक दार्शनिक, मैं एक स्पोक्समैन नहीं हूँ किसी दल का, आप समझ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि स्पोक्समैन अब विचारधारा नहीं की बहाल करनी है, पहले वाले पास विचारक होते थे, अब जब से सोशल मीडिया वगैरह आगे स्पोक्समैन हो गए, ये मार्क्सवादी प्रवक्ता है, ये दक्षिणपंथी प्रवक्ता है ना, ये मध्यम मार्गी प्रवक्ता है, हम लोग अगर प्रवक्ता के नजरिए से देखने लगेंगे तो आपको और हमको ये भ्रम हो सकता है कि इनका कोई इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि राइटर को आप इतनी छूट दीजिए कि वो किसी भी विषय पर इंडिपेंडेंट बोलने से पहले थोड़ा चिंतन करे, थोड़ा मनन करे। कई बार किसी विषय पर मुक रहना ये भी एक निर्णय होता है, ये भी एक परिस्थितियां होती है, इसका कतई नहीं है कि वो लेखक मरा हुआ है, उसकी पीढ़ी मरी हुई है, वो बचना चाहता है। हम लोग तो खतरे उठाने वाले लेखक, अगर आप मेरा परिचय जानते हो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लेखक
सत्ता का शाश्वत विपक्ष है, शाश्वत विपक्ष है। मैंने ये ऑन ये अखबार में कई बार मेरा कोटेशन दिया, मैंने हमेशा कहा, मुझसे कई लोग कहते हैं सत्ता का अच्छा चीज तुमको क्यों नहीं दिखता है, तो मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर बीमारी बर्बाद करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि लेखक समाज का डॉक्टर है, आप कितना भी स्वस्थ हो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, एक थोड़ा भी अगर है तो मेरी बातचीत उस पर होगी। तो ये है इंडिपेंडेंट वॉइस। लेकिन अगर आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट वॉइस के नाम पर किसी पार्टी का प्रवक्ता हो जाऊं या किसी विचारधारा का, क्योंकि अब मैंने कहा अब बात पार्टी से अलग करके एक अर्जी चल रहा है विचारधारा का प्रवक्ता, विचार नहीं विचारधारा का प्रवक्ता, दुनिया की किसी भी विचारधारा ने स्पोक्समैन बहाल नहीं किया, खुद ने नहीं किया स्पोक्समैन, उसने भी उपाली और आनंद को कहा उसको भाई गुरु जा रहा है मर रहे हैं बताइए मोक्ष कैसे मिलता, मुस्कुरा दी अपो दीपो होगा। बुद्ध ने नहीं कहा मेरा प्रवक्ता बनना, मार्क्स ने कहा गया मेरा प्रवक्ता बनना, दक्षिण पंथी ने किसी ने कहा कि मेरा प्रवक्ता बनना। अगर आप मुझसे गरीबों की लड़ाई का बात करेंगे मैं मार्क्स की धारा से खड़ा हो जाऊंगा, आप मुझसे सावरकर जिन्ना की अलीगढ़ में फोटो लगने की बात करेंगे तो मैं हो सकता है दक्षिण पंथियों के साथ खड़े हो जाऊं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिन्ना हमारे लिए बंटवारे का प्रतीक है। तो यही है इंडिपेंडेंट वॉइस, बोलना महत्वपूर्ण है। अगर आप ये तय कर रहे हैं ये उसकी ओर से बोलता है इसकी ओर से बोलता है इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप मुझ पर कुछ थोपना चाहते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मेरा मूल्यांकन कीजिए कि इसने जो ये बात की उधर से बोली, उधर से बोली बात उधर से नहीं, हो सकता है मैंने जो कहा उसके पक्ष में वो लोग खड़े। इंडिपेंडेंट का अर्थ ये है। तो हम अपने समय में बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं, आप जाके देखिए सोशल मीडिया पर हमसे पीछे के जो राइटर्स हैं बहुत बचते हैं, आप दो चार को छोड़ दीजिए, वो भी उनकी एक मुकम्मल पहचान है कि वो दक्षिणपंथी है या वो मार्क्सवादी है या वामपंथी है, हमारी ये पहचान नहीं है, हमें सब गाली देते हैं दोनों तरफ से गाली देते हैं, कोई सोशल मीडिया पर हम लोगों को देख रहा हो तो हमें हर तरफ से गाली देते हैं। हमने हैदराबाद काउंटर के विरुद्ध में कहा, हमने एनआरसी के विरुद्ध में कहा, सीएए के विरुद्ध में कहा, लेकिन हमने एनआरसी गलत है कि सही उसमें हमने कहा कि सही हो सकता है लेकिन इस देश में गलत है, क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है, आप 130 करोड़ लोगों को लेमन जूस नहीं बांट सकते हो खड़ा करके। मैंने उसको गलत इसलिए कहा, मैंने कहा कि 16 साल में हम आधार कार्ड ही बना पाए इस मुल्क में लोगों का, अभी तक लोग लाइन में खड़े हैं, तो तय करते हो इतना बड़ा उत्तर पुत्र का आवश्यकता क्या है। यही है इंडिपेंडेंट वॉइस। मैंने ये बिना जाने आपको ये बात कह दी कि आप मार्क्सवादी है वामपंथी है कि आप दक्षिणपंथी है, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट वॉइस। आप कतई ये उम्मीद ना करें कि हम किसी पाले में खड़ा होकर बोलने लगे, हम खड़ा होकर बोलेंगे, हो सकता है मेरे कहे का पाला इधर हो जाए या हमारी बात को वो लपक ले, हम खड़े होकर बोल रहे हैं दोस्त और बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे हैं। इसलिए ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि हमारी पीढ़ी किसी भी राजनीतिक या वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ नहीं है। मैं हजार बार कहता हूं कि राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होना ही राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि आप अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, साहित्यकार के तौर पर ले रहे हैं, आप एक नागरिक के तौर पर ले रहे हैं, तो हम उतने ही राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं। जरूरी नहीं है कि हम कन्हैया कुमार की तरह मंचों पर जाकर अगर बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में, या हम एबीपी फास्ट को लड़को नहीं है युवा हमको नाम नहीं आ रहा है, या मतलब या सभी पात्रा की तरह बोलेंगे तभी हम देश के हित में बोल रहे हैं, ऐसा कतई ही नहीं है ना। हम एक साहित्यकार के तौर पर इतना छूट तो आप हमको दीजिएगा ना कि आप हमें ये नहीं कहिएगा सुनो बाबू या तो हाँ या तो ना, नहीं तो तुम्हारा नंबर काट देंगे। इतना छूट साहित्यकार को बहलोल लोधी ने दिया था, आपको तो देना ही चाहिए। हाँ दो सवाल और लेंगे, दो सवाल, एक आप आपका सवाल। तो मेरा सवाल आप लोग से कि जो ये नए लेखक आ रहे हैं इसमें नए लेखक और नए लेखन में भाषा की कितनी उपयोगिता है, क्या हमको धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या एक आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात अपने विचार लोगों तक पहुँचानी चाहिए, आप किस टाइप के लेखकों को भी इंकरेज करेंगे या उनके लिए कुछ आप थोड़ा सा आप देर में आप ही मैं बोलने वाला था कि आपका जवाब लोग दे चुके हैं उसका। आप जिस भाषा की बात कर रहे हैं असल में साहित्य उस भाषा का सम्मान करता है और अमूमन जो है कि सामाजिक यथार्थ को उसी भाषा में लिखा जाता है जिस भाषा की आप अगर मनोविश्लेषणवाद का जो धारा था जहाँ पर ये लिख रहे हैं शेखर जीवनी वहाँ पर साहित्य का जो साहित्यिक भाषाओं का चमत्कार क्योंकि वो एक व्यक्ति का मनोविज्ञान है तो वहाँ पर उस व्यक्ति के अनुसार लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप राजनीतिक सामाजिक यथार्थ लिखेंगे तो उसमें जो बोलचाल की जो भाषा है असल में वो भाषा है, बोलने जो बोल दिया गया वो फालतू भाषा नहीं हो गया है, तो वो सहज रूप से लिखना है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रेमचंद से लेके काशीनाथ अमरकांत तक वही धारा है,
वही डाल रहा है उसी का उम्मीद है। तो बिल्कुल सर मेरा सवाल ये था, मतलब मैं काफी देर से आप लोग को स्नैक्स देख रहा था, आप थोड़े बहुत आयुब की शान की तरह लगते हो, आप थोड़े बहुत तन्मय भट्ट की तरह। और एक बात और, जैसे मतलब अभी वरुण ग्रोवर जी को काफी सुनते हैं हम लोग गानों के माध्यम से, हिंदी साहित्य वाले मतलब आप लोग कभी अप्रोच नहीं करते या फिर वो लोग आप लोग आपको अप्रोच नहीं करते? नहीं आप करवाइए, आईआईटी में बुलाइए। यहाँ हिंदी को 10 रुपए की रॉयल्टी से बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मार्केटिंग इतना ज्यादा दिया जा रहा है, वो जो एक्सपोजर है ना वो मुंबई में है ज्यादा, तो वहाँ उन लोगों को अप्रोच इसलिए भी किया जा रहा है। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ रही है जो वहाँ मुंबई के लिए भी बहुत आकर्षक है, या जो वरुण ग्रोवर काम कर रहे हैं वो हम लोग क्या नहीं, इसमें जो अभी ना बहुत ज्यादा जो जितने प्रोडक्शन हाउस है, और मैं इंसिडेंटली एक बहुत बड़ा लीडिंग जो था हॉटस्टार स्टार और इनके लिए, मैं खुद ही कहानियां सुनता था उनके लिए अभी तक, और वहां पे भी जो पहला गेट होता है उसके लिए कि आप उसके बाद आगे कहानियां जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और मेरे को इसीलिए उन्होंने रखा भी था कि आप जो कि उस हिंदी की दुनिया से आ रहे हो जो नॉर्मली राइटर्स नहीं पहुँच पाते, जो नॉर्मली आवाजें नहीं पहुँच पाती, तो वो शुरू हो गया। इनफैक्ट जैसे मेरी किताब का राइट्स या सत्यव्यास का भी कई सारे राइट्स जा चुके हैं, जो अब क्योंकि मूवी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, अब कितना भी अच्छा हम लोग देखें लेकिन आयुष्मान खुराना की डेट मिलने में भी 2 साल का समय है, वरुण धवन की डेट में 2 साल का समय है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वहाँ की, आपको जो एक्टर जो डायरेक्टर जो सब कुछ चाहिए। इनफैक्ट हम लोग अब उल्टा हो गया है कि ऐसा भी हो रहा है कि कई सारे प्रोडक्शन हाउस इस तरीके से भी अप्रोच कर रहे हैं पब्लिकेशन हाउस को हमारे, कि आप हमें सिनॉप्सिस दे दो 10 पेज की 5 पेज की, और फिर आप किताब लिखते रहना, हमें वो दे दो उस तरीके का, तो वो टू वे शुरू हो गया है, मतलब इट्स अ गुड करियर ऑप्शन अगर ये सवाल का जवाब हो तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ये तो मैं नहीं मानता। नहीं बट आपने मनोहर जी के गाने सुने हैं? आप किसने लिखे हैं? अमित त्रिवेदी तो म्यूजिक देते हैं। तो जब आप सवाल पूछे जो राइटर है, आप जाके गूगल करिएगा, शैली नाम है, शैलेंद्र सिंह सोढ़ी, और शैलेंद्र सिंह सोढ़ी और इरशाद कामिल बैचमेट है दोनों लोग, तो उसी में, और शैली जी का नाम चूंकि आया है तो आप जाके चौधरी गाना है कोक स्टूडियो का वो सुनिएगा, आप एक परदेसी जो फिल्म थी उसमें परदेसी गाना था वो सुनिएगा, पैरेलली ऐसी कई सारी वॉइसेज है। होता क्या है कि जैसे हम लोगों को ना कई बार पता नहीं चल पाता उसका, हम क्या होता है ना एकदम से देखते हैं, वो एक वो जो बादशाह वाले गाने आ गए या हनी सिंह आ गए, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उनका कहना है कि आप लोग भी क्यों नहीं ट्राई करते, ठीक है वो महान दिख रहा है, तो आप लोग क्या, आपका ही सवाल है ना, टीवी और भी अगर मान लीजिए नेट ट्राई करें तो दरारी कहां का है, मतलब बैरियर कहां आ रहा है, मतलब जो अगर आप नेट ट्राई करें तो आप अप्रोच करें। मेरी तो कविता लिखने की उम्र बीत गई ना, हो गया मेरा। हम तो क्या कविता भी करते हैं लिखते ही हैं, लेकिन वही बात है बॉस की, वही है कि थोड़ा मामला देखिए। अच्छा वो नहीं, वो दूसरे जो फिल्म इंडस्ट्री जो काम करती है म्यूजिक में, कम से कम वो जो ड्रिवन है वो म्यूजिक डायरेक्टर से है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के पास पहुंचना फिर सैंपल के गाने लेके जाना तो है। और वैसे भी एक चीज बस उसमें कि आपको पता है ना पहले म्यूजिक बनता है बाद में लिरिक्स फिट होते हैं उसमें, पहले लिरिक्स के बाद म्यूजिक नहीं बनता 99% गानों में, तो वो फिर आप म्यूजिक डायरेक्टर से मिलो फिर वो पहुंचो, वो थोड़ा लंबा रास्ता है वैसे, और अच्छे लोग हैं। एक वो हम लोग का दोस्त है पुनीत शर्मा, अभी पूरे इस मूवमेंट में तुम कौन हो पे जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो संजू के गाने उसी ने लिखे हैं, कई सारी फिल्में रिवॉल्वर रानी के लिखे हैं, तो अपने तरीके से बहुत सारे अच्छा भी लिख रहे हैं, और हम लोग का भी नंबर आएगा सर। हिंदी के राइटर्स का मैं वही मैं एक ही जगह करता हूँ, सही बात यही है कि उनके लिए एक्सपोजर मुश्किल है, क्योंकि उनका बहस दिल्ली के गोष्ठी से ज्यादा निकलने नहीं दिया जाए, वही जो भस्त हुआ है ना जिस पर सारी चर्चाएं हो रही है, आप पर ये आरोप, आप पर ये आरोप, आप इतने गंदे, आप इतने खराब, यही होते होते मुंबई तक पहुंचेगा, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा एक्सपोजर का मामला है कि उन लोगों के साथ है कि वो मुंबईया जो मंच है वो उन लोगों को ज्यादा वहां पहुंचा दे रहा है। उसका कारण ये था हम लोग पहले टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे, हम लोग की बातें यूट्यूब पर नहीं थी, तो हम लोग अपनी बातें भी नहीं पहुंचा पाते थे, गोष्ठी में क्या चार को दांत टूटा हुआ आदमी बैठा हुआ है, उसमें 3 का रखा था, इससे
से हिट होएगा, यही सब चलता था। तो हम लोग को वो था नहीं, अब आया इंटरनेट का दौर आया, हम लोग भी चीजें दुनिया तक ले जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से बदले। आप फिल्म बनाना अगर तो आपकी अदालत का सेशन समाप्त होता है। एग्जाम है, कोई सवाल आप लोग पूछने आराम से, हम लोग के पास समय है, हम लोग तो हिंदी में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही उसी आए हम लोग तो बिना कविता का नहीं उसी के मजाक चल रहा है। अनुवाद और नई वाली हिंदी का कैसा रिश्ता है? तो बहुत अच्छी हिंदी किताबें लिखी जा रही हैं, लिखी गई हैं, जिनका एक बहुत अच्छा बाकी भाषाओं में बहुत अच्छे अनुवाद उपलब्ध है। और दूसरी तरफ से कई अच्छी अंग्रेजी किताबें हैं जिनके बहुत अच्छे अनुवाद, इज लाइक रीराइटिंग द कार्टून सेट, तो उसके साथ कैसा है? मतलब है अभी हम लोग अनुवाद हिंदी की किताबों का, मैं हमारी पीढ़ी की किताबों का वो है, जैसे कि अभी डीपी भाई की किताब मुसाफिर कहते वो इंग्लिश में आएगी, सत्यवादी किताब दिल्ली दरबार उसका भी अनुवाद हुआ है, मेरी डार्क फोर्स अभी मराठी में आ रही है, अंग्रेजी के लिए जा रही है। तो ऐसा नहीं है अनुवाद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अभी पाठक मिलना बाकी है, वो अभी थोड़ा सा एक प्रक्रिया है, मुझे लगता है साल दो साल में, खास करके हम लोग अंग्रेजी को टारगेट तो जरूर कर रहे हैं, जो अंग्रेजी के पाठक हैं वो हमारी किताबों तक आए, क्योंकि अब जो हमारे हिंदी के पाठक हैं वही अंग्रेजी के ही पाठक हैं, तो इस कारण से बहुत निराश इसलिए नहीं क्योंकि हमको पता है वो हिंदी में हमें पढ़ रहे हैं, मतलब आप अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं विदेशियों को, लेकिन आप हिंदी की भी किताबें पढ़ रहे हैं, आप हमें हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं, तो शायद इसलिए हम अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ वहाँ जहाँ केवल इंग्लिश में या तमिल में पढ़ा जा रहा है, तेलुगु में पढ़ा जा रहा है, वहाँ रिच जो है वो मार्केटिंग का भी थोड़ा मसला है, क्योंकि हम वहाँ गोष्ठी और लिट फेस्ट के रास्ते नहीं जा सकते हैं, वो तो हमें उत्तर भारत में बुलाया जा सकता है, लेकिन हमें तमिलनाडु में वहाँ पर लिट फेस्ट में नहीं बुलाया जाएगा, मुंगू पुंगू पुंगुल हो जाएगा हम लोग का, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, वो हम लोग यहाँ ही कर सकते हैं 9-15 सब यहाँ भी हम लोग का, जितना हम लोग का फर्जीवाड़ा इधर चलेगा, तो वहाँ मार्केटिंग एक मामला है। तो अगर हम लोग साउथ इंडिया में अंग्रेजी की किताबों को, मतलब जो अनुवाद की किताबें हैं उसको हम अच्छा अगर पहुंचा पाए तो शायद एक बार चस्का लगे तो हम लोग पर विचार हो, तो ये अभी शुरुआत हुई है, अभी 2-4 किताबों की हुई है, तो मुझे लगता है कि वो अभी आएगा और साल दो साल में हम लोग अनुवाद की हो जाएंगे अंग्रेजी के अलावा, जैसे भी मैंने मराठी तीन किताबें मराठी पढ़ी है, मेरे को कल ही एक मेल आया पंजाबी के अनुवाद के, वो है उड़ीसा के लिए, उड़िया के लिए एक आया है पंजाबी के लिए, वो अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, ये बात तो सही है, लेकिन उम्मीद हमें अंग्रेजी से ही ज्यादा है कि साउथ इंडिया वाले शायद हमें पढ़े, इधर इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि यही अंग्रेजी भी पढ़ रहे यही हिंदी भी पढ़ रहे, तो कोई जब निर्मा सुपर ले लिया तो ये अनुवाद की बात करते हो तो जो आपका आप खुशी की बात करते वो रह जाती जिंदा रहता नहीं, वो भी एक चैलेंज है, वो चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो इसलिए हम लोग जैसे लेखकों के लिए ना अंग्रेजी का अनुवाद थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता है गोदान को अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट किया जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा, है ना, तो जैसे वो जो चुनौती गोदान के साथ या मैदान के साथ है संभवतः वो हम लोग की भी ताब किताबों के साथ है, तो इस कारण से, लेकिन जिसने वो देसी स्वाद चखा ही नहीं है उसको तो आप जैसा बना दीजिए वाली उसको ले आए यही सही है, हो सकता है किसी को, तो ये तो जरूर है आप लेखक से पूछिएगा तो हमें तो लगेगा कि मिसिंग है, वो तो हमें लगेगा वो उसकी एक सीमा है जिसको हमको स्वीकार करना है, क्योंकि ये बात तो है, फिर भी देखते हैं कि जैसा हो पाए अनुवाद मर्जी मान से सवाल खत्म होता सर। एक सवाल था, लाइक इन जनरल एक सवाल था कि लाइक आज से अगर 15-20 साल पहले कुछ पढ़ते हैं तो उसमें जितना भी हम तक पहुंचा है उसमें आइडिया में काफी अच्छा इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन अगर आज देखते हैं तो काफी कम लोग हैं जो आइडिया में इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर जितना हम आसपास देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आइडिया से निकलकर लाइक जो ऊपरी तह है उसको काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऐसा हमारा परसेप्शन है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना। मैं आइडिया से वही की जो जिसको मैं विचार बोल रहा था, मतलब महत्वपूर्ण लेखन तो उस पर वही बात है कि आपने पहले इसके जो लेखक थे उसमें चुनिंदा लोगों का वो फिल्टर्ड हो गया, आ गए 30 साल 40 साल 50 साल हो गया, आप पुस्तक मेला में जाते हैं आपको दोस्त मिलते हैं फेसबुक पर जा रहा हूँ पुस्तक मेला, लगता है कि हज में जा रहा या एवरेस्ट चढ़ने जा रहा, और बताइए कुछ लिस्ट आ जाता है लिस्ट इतना सा आप उसी अनुसार किताब खरीद लेते हैं, नए में आपको वो फिल्ट्रेशन भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि सब लिख रहे हैं हम लोग,
इसका सब हम लोग दोस्त एक दूसरे की किताब करके खरीदो पढ़ो, बहुत खाली है, बहुत खाली है, मैं तो जी रहा हूँ कई काम से। यही बात है, इस कारण से आप हम लोग की पीढ़ी को जब पढ़ते हैं ना, थोड़ा छांटना मुश्किल हो जा रहा है आपको। 30-40 साल पहले फिल्टर्ड होके मिला है माल, नहीं तो कई बार हो सकता है प्रेमचंद की दो कहानियां आपको पसंद ना आए, तीन पसंद आए, दो उसी में से छांट दीजिएगा, लेकिन आपके पास फिल्टर्ड माल पहुंचा है। आप सोचे वतन पढ़ते हुए समझ नहीं पाएगा प्रेमचंद की किताब, जिसने गोदान का फ्लेवर लिया और सोचे वतन नहीं पढ़ पाए, सोचे वतन में उनका हिंदी अलग है, उर्दू का हिंदी एकदम, तो फिल्टर्ड आया इसलिए आपको वहाँ आसानी हो रही है। यहाँ भी विचार है, फिल्टर्ड हो जाएगा तो आपको आसानी होगी, लेकिन अभी फेसबुक होने नहीं पाएगा, आपको चुनना होगा, मेहनत करना होगा, उसी में से निकाल के आप ही बताइएगा अरे यार ये ठीक था, नहीं तो दी मेरे 100 रुपये खत्म हो गए। यही कारण है। और कोई सवालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब बातें इसके और इसके लिए जेल गया। मतलब इसके लिए भी क्या बात सुनाई गई, थोड़ा हमको राहत मिला, माइक जो बिना माइक के यही बात इंजीनियरिंग ऐसे होता है, बोले ना कि हमारा आईटीआई कंप्यूटर नहीं बना रहा है, कंप्यूटर का हिंदी बना है, जोड़ लीजिए। हाँ ठीक ठीक, बस 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 बढ़िया, बड़े नहीं उन्होंने आवाज एकदम खराब हो गया है इसलिए थोड़ा हल्का से गाएंगे। क्या कौन सा यार इतना गंभीर चीज कैसे बताओ, चेंज कर दीजिए तुमने थोड़ा, नहीं ठीक है बढ़िया। अरे इन्होंने ये गीत कहा है, एक गीत है मेरा कि जब मतलब दृश्य है कि जब दुनिया में जलप्लावन के बाद जब पहली बार धरती निकली होगी तो एक मंजर सी कोई भूमि रही होगी भाई, जलप्लावन के बाद निकल के आई है, तो जो दुनिया का पहला अंकुर फूटा होगा, जो किसी व्यक्ति ने देखा होगा अरे वो धरती से क्या फूटा है, तो जो पहला बीज फूटा होगा तो दृश्य कैसा रहा होगा कि एक मजदूर खड़ा है, एक किसान खड़ा है, एक गवई आदमी खड़ा है, उसने अचानक से देखा कि कुछ धरती से फूटा, वो जो पहला कोपल फूटा है, जो पहला बीज फूटा है, तो हम लोग जैसे जन्म बच्चों के जन्म पर सोहर गाते हैं तो धरती ने कुछ जन्मा है पहली बार, उसकी कोख पहली बार भरी गई है, और उस पहली बार उस कोख भराई को जब देखता है कोई व्यक्ति तो दृश्य कैसा है उसी को एक छोटा सा गीत है दो बंदों का मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे उसने देखा अरे क्या निकला उस धरती से वहां से अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, वो कह रहा है आदमी, अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे नर्तक प्रिय मयूरों आओ, अरे पंख खोल कर चवर डोलाओ, अरे धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। अब क्या कहता है वो कि चांद के कान छेद कर उसमें अरे पहना दो गेहूं की बाली, अरे कान चांद के कान छेद कर उसमें, देखिए नई वाली हिंदी है जो बदनाम है ये तो भाषा नहीं आती है उसको, इसका बिंब के बहुत खराब है, इसके बिंब में तो जर्दा है पान है पुड़िया है, कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली,
अरे कटते झड़ते जंगल में जी। राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैचारिक प्रतिबद्धता, इंडिपेंडेंस वॉइस की, कटते झड़ते जंगल में जी, टिके हुए गुलमो हर गाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर वो बल फूटे है सो हर गाओ। अब देखिए कि इंद्रधनुष के रंगों उतरो, कह रहा है इंद्रधनुष से कि इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो। अभी तो कुछ रंग मिला नहीं था दुनिया को ना, तो वादी कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों उतरो, धूसर पर अपने रंग ढारो, रे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो, रे सूरज काला सरसों छीटो, इस दुनिया की नजर उतारो, अरे मकई के दानो, अरे अरहर के दानो, अरे झुनर झुनर झुन झुनर झुनर झुन 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 कजरी गाओ, अरे धरती, अरे बजरी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ, रे रे धरती सोहर गाओ। ये नहीं वाली हिंदी, देखिए भाषा के लिए हम लोग का बदनामी है, इसमें अंग्रेजी तो नहीं था, एक भी सब एक बदनाम है, वैचारिक प्रतिबद्धता भी आ गया है, अगर इसका संकेत आप समझ पाए तो। की कटते झड़ते जंगल में जी, अरे टिके हुए गुलमोहर गाओ, अरे धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ। तो ये है, और बताइए। अच्छा सुने हैं आप लोग, ऐसी दिल्ली में घोषणा कर दिया कि हिंदी खत्म है इन लोगों का, नहीं वाली तो है यहाँ, अगर आप लोग सुने। अच्छा वो है, अच्छा वो है जहाँ थोड़ा सा नदी का पानी हो वाला ना, दुनिया ऐसी हुआ करती थी आपके ऊपर। एक गीत है वो जो सतत विकास सब लोग पढ़ते हैं,